विष्णुपादाय कृष्णप्रष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मनु महाराज के पुत्रों का वंश गिनाया जा रहा है। तो कल आपने सुना शंभु मनु महाराज के एक पुत्र सरजाति महाराज की कथा। महाराज सरजाति की परम सुंदरी सुशीला कन्या थी, सुकन्या, जिसका चरित्र आप लोगों ने सुना है। और आज मनु महाराज के एक पुत्र नभग के वंश का वर्णन करने में महाराज नभाग का वर्णन किया जाएगा और फिर महाराज अम्बरीश का। तो चौथा अध्याय इस तरह से प्रारंभ होता है। श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा नभाग नभगापत्यम नभग के पुत्र यम जिनको ततम पिताजी को भ्रातरह भाइयों ने कवि जो विद्वान था उसको जविष्ठम सबसे छोटा व्यभजन हिंसा में दिए दायम दाय भाग ब्रह्मचारिणम जो ब्रह्मचारी था आगतम गुरुकुल से लौटा था। मनु महाराज के एक पुत्र का नाम है नभग। तो नभगापत्यम नभाग तो नभग के पुत्र का नाम था नभाग। नभग का पुत्र होने से उनको नभाग कहते हैं। तो नभाग बहुत काल तक गुरुकुल में पढ़ते रहे। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि बच्चे 25 वर्ष तक पढ़ते हैं, जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। कोई बच्चा जब 5 वर्ष का होता था तो वह अपने माता पिता का त्याग करके और गुरु के पास रहता था। तो 25 वर्ष तक लगभग 20 वर्ष वह वेदों का अध्ययन करता था और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था। हमारे वैदिक संस्था में यह ब्रह्मचर्य आश्रम बहुत प्रसिद्ध आश्रम है और वास्तव में समस्त आश्रमों की आधारशिला है यह। यदि ब्रह्मचर्य जीवन अच्छा से निभ गया और वेदों का अध्ययन ठीक से हो जाता है तो वह व्यक्ति पूर्ण सफलता प्राप्त करता है आगे के जीवन में। तो नभाग
गुरुकुल में पढ़ रहे थे, ये विद्या व्यसनी थे, विद्या पढ़ने में इनकी रुचि थी, अतः ये 25 वर्ष से ज़्यादा पढ़ते रहे। लगभग 30 से 35 वर्ष तक वे गुरुकुल में ही रहे। जब वे 30-35 वर्ष के हो गए थे तो इधर क्या हुआ कि इनके जो अन्य भाई थे वे लोग अपने राज्य में घर में बंटवारा कर लिए। बंटवारा किए तो अपने छोटे भाई का हिस्सा नहीं निकाले, क्योंकि तो ये लोग जानते थे कि अब वो नहीं लौटेगा, ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सन्यासी बन जाएगा। क्योंकि 25 वर्ष तक नहीं लौटा तो उन्हें विश्वास हो गया कि ये अब घर नहीं लौटेगा, इसलिए वो लोग पूरा हिस्सा बांट लिए अपना। तो वह पढ़ करके और इसके बाद लौटा गुरुकुल से अपने घर पर, वहाँ से कथा प्रारंभ होती है। आगतम का अर्थ गृहम आगतम, जब घर आया तो उसने देखा कि भाई लोग सब धन बांट लिए। नभाग पढ़ करके बहुत बड़ा विद्वान बनकर आया था, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कवि, कवि का अर्थ होता है विद्वान, परम विद्वान बनकर आया था। और जविष्ठम छोटा भाई था, उसने पूछा अपने भाइयों से, भ्रातर मह्यम किम अभांत, भ्रातरो अभांत किम मह्यम, हमको आप लोग क्या हक दिए हैं, हमारा हिस्सा क्या निश्चित किए। तो वो बेचारा अब तो सब बांट चुके थे, वे घर गृहस्थी में थे, उनको ज़रूरत है इस ब्रह्मचारी को, लोग सोचे कि इसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अब लौटेगा नहीं, वनवासी ही रहेगा। लेकिन फिर भी उन लोगों ने कहा कि भजाम पितरम तव, तव तुम्हारे लिए पितरम भजाम, हम अपने पिता श्री को तुम्हारे हक में दे दिए हैं, तो पिता को हक में दे दिए हैं। हाँ, शास्त्र कहता है कि धन की जितनी कीमत होती है तो धनी की उससे दुगना कीमत होती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी के पास 1 अरब रुपया है, किसी धनी के पास, तो धनी की कीमत 2 अरब है। तो इसलिए ये लोग जितना भी धन बांटे थे सब पिता का ही धन था, तो उससे दुगना धन दे दिए। ये कहने का मतलब इनका यह था कि हमने पिताजी को तुम्हारे ही हिस्से में दे दिया, इसका मतलब कि इनकी सेवा करो, यही तुम्हारा धन है, यही तुम्हारा हक। अब वो लोग बांट लिए थे तो अब देना नहीं चाहते थे। कोई आदमी मान ही लिया है ना कि भाई हमारा इतना धन है और उसमें से कम होता है तो सोचता है हाँ हमारा कम हो रहा है, यदि पहले से ही भगवान कम दिए होते तो अब उसमें कोई दुख नहीं अनुभव होता है। लेकिन प्राप्त हो करके और फिर कुछ निकालना पड़े तब तो ये बहुत भारी दुख है। तो भाई सब कहे कि भजाम पितरम तव, हम पिताजी को तुम्हारे हिस्से में भजाम बांट दिए। तो लड़का गया अपने पिता के पास तो कहा, त्वाम ममार्जा तताम भाग तता अभांक्ष, हे तत हे तात हे पूज्य पिताजी, मम आर्जा मेरे बड़े भाई लोग त्वाम अभांक्ष आपको ही मेरे हिस्से में दिए हैं। पिताजी समझ गए, वो इतने सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो समझ गए, नभक जी समझ गए कि
तो उन्होंने कहा कि माँ पुत्र को तदादृथा है, हे बेटा उन ठगों की बात में विश्वास मत करो, उनमें आदर बुद्धि मत करो कि बहुत अच्छा कह रहे हैं, तुमको देना नहीं चाहते हैं इसलिए बहाना कर दे कि पिताजी को ही दे दिए। तो वास्तव में तुमको कोई धन नहीं मिला, हमको लेकर क्या करोगे, बुढ़ौती में केवल सेवा करोगे। लेकिन नभग जी बड़े ही महान पुरुष थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, भगवान की कृपा से जीविका चलती है, धन मिल जाता है, चिंता मत करो। तो उस लड़के ने कहा कि पिताजी तो कैसे मैं जीऊँगा, कैसे मेरा काम धंधा चलेगा। तो उन्होंने कहा इमे अंगिरस सत्रम आस तेद्य सुमेधस, देखो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर अंगिरा गोत्र के मुनि लोग सत्रे आसते, सत्र में हैं, सत्रम आसते, एक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, बहुत अच्छा यज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ है। यद्यपि ये ऋषि लोग सुमेधस बहुत बड़े विद्वान हैं वेदों के, फिर भी कर्म मार्ग बेटा इतना दुरूह है कि प्रत्येक छठे दिन वे भूल कर जाते हैं मंत्र पढ़ने में और क्रिया करने में भी यज्ञ की। षष्ठम षष्ठम उपेत्याह कवे मुह्यन्ति कर्मणि, वे सुमेधा हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं, अंगिरा जी के गोत्र के कर्म करते हैं, जग कर रहे हैं, लेकिन प्रत्येक छठा दिन उनसे भूल हो रही है, मुह्यन्ति कर्मणि। और तुम कवि हो, तुम विद्वान हो, तुम पढ़ करके आए हो, तो बेटा एक काम करो, तुम उनके पास जाओ और जा करके विश्वदेवा के एक देवता का मंत्र है, इसमें दो सूक्त तुम बोलो, बस इतनी ही भूल उनसे हो रही है, दो सूक्त बोल देना उनको, वे ब्राह्मण बड़े प्रसन्न होंगे। इस जब तांस्तम संशय सुक्ते द्वे वैश्वदेवे महात्मना, जब नभग जी ने अपने पुत्र नभाग को कहा कि वहाँ जा करके और वैश्वदेव संबंधी दो सूक्त बोलना, श्लोक बोलना, तो वे लोग बहुत प्रसन्न होंगे। नभाग ने कहा कि मैं तो क्षत्रिय हूँ और वे ब्राह्मण हैं, मैं उनको जा करके जब बताऊँगा वैदिक मंत्र तो वे अच्छा नहीं मानेंगे कि एक क्षत्रिय और वो भी उम्र में कम लड़का हमको मंत्र बता रहा है, तो वो लोग नहीं स्वीकार करेंगे। तब नभग जी कहते हैं नहीं महात्मना, ये लोग महात्मा हैं, महान पुरुष हैं, जब तब उनकी गलती को बताओगे तो ये लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि तुम्हारे कारण उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा और तब ये स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। अतः जब ईश्वर जानता, जब स्वर्ग जाने जाएंगे ते स्वर जनतो धनम सत्र परिशेषित महात्मना दास्यन्ति ते, जब वो स्वर्ग जाएंगे ऋषि लोग तो जो भी यज्ञ में बचा हुआ धन है वो सब छोड़ देंगे, तुमको दे देंगे। और बहुत बड़ा यज्ञ था जिसमें सब चीज सोने की बनाई थी, वेदी भी बनी थी ऐसे चबूतरा वगैरह सब सोने का, सब कुछ, और खंभा लगा था यज्ञ मंडप में वो सब सोने का, बर्तन आदि का तो कहना ही नहीं है, ये सब तो सोने के थे ही। तो वे लोग जब स्वर्ग जाएंगे तो ये सब क्या ले जाएंगे, स्वर्ग में तो अपार धन है, यहाँ का सोना वहाँ चलता नहीं है, वो तो वहाँ के लोग इसको मिट्टी जैसा समझते हैं देवता लोग, तो वहाँ नहीं ले जाएंगे, सब छोड़ देंगे, तुमको दे देंगे, तो इस तरह से तुमको धन मिल जाएगा, तुम संतोष करो।
और जो भाइयों को बांटा गया था धन, सब मिला कर के भी इतना धन नहीं होगा, उन्होंने संकेत कर दिया। व्यक्ति को संतोष करना चाहिए, हर एक समय बस झगड़ा कोर्ट कचहरी में पहुंच जाना, हमारा हिस्सा हमारा हिस्सा। दुनिया में आधा से ज़्यादा झगड़ा केवल हिस्सा के लिए होता है, आपस में भाइयों में ज़्यादा झगड़ा देखा जाता है। लेकिन पिताजी नभग महाराज अपने पुत्र को बताए कि बेटा झगड़ा मत करो, तुम विद्या पढ़े हो, भगवान की कृपा से उस विद्या का उपयोग करो, जा करके यज्ञ भूमि में ब्राह्मणों को उनकी गलती बताओ और उनको सुधार दो तो लोग प्रसन्न होंगे। देखिए भगवान की कृपा से ही जीविका चलती है, किसी के काम धंधा करने से धन मिलता है ऐसी बात नहीं है। और धन मिलता हो केवल इसी कर इसी जीवन के कर्म पर आधारित नहीं होता है, पहले के कर्म आदि भी जोड़ जाड़ करके रखे जाते हैं, उसके अनुसार धन मिलता है। नहीं तो कुछ लोग काम करते करते मर जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है। और कुछ लोग केवल एक दो बार फोन घुमाते हैं, उसी से हजारों लाखों रुपये मिल जाते हैं, है ना, देखा जाता है। तो अपने पुत्र नाभाग को नभग जी ने उपाय बताओ, जाओ तुम उनकी उनको उनको बता दो वेद मंत्र लोग धन देंगे। तो गया दास्यंति ते, उन्होंने कहा कि तुमको धन दे देंगे, सत्र परिशेषितम जो यज्ञ में बचा हुआ धन होगा वो सब तुमको दे देंगे। अथ तान गच्छ तथा स्वकृतवान जथा, इसलिए तुम उनके पास जाओ। तो पिताजी ने जैसा कहा वैसा ही नाभाग ने किया, वहाँ गया और कृतवान जथा गया, और जैसा जो कुछ कहना था बोलना था वो चुपचाप रहा, अपना भजन करता था। और छठा दिन आया जब मुनि लोग अब घबराने लगे, उनको सूझ नहीं रहा था, अर्थ मुह्यंती शब्द है कि वो गलती कर रहे थे। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ पढ़ता है और पढ़ने में कोई चीज़ गलत होती है, तो ऐसे पढ़ता है कि सुनने वाले को पता ना चले कि क्या पढ़ रहा है, और ऐसे उसी लिरिक में राग में पूरा कर देता है। तो ब्राह्मण लोग ऐसे कर रहे थे बेचारे, लेकिन वो कपटी नहीं थे, वो लोग चिंता में पड़ जाते थे यहाँ कौन मंत्र पढ़ा जाएगा, क्या क्रिया की जाएगी। तो नाभाग बैठा था और कहा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं मंत्र पढ़ूँ। तुम्हें हाँ बेटा पढ़ो पढ़ो, तो उसने पढ़ा, वो पढ़ करके आया था गुरुकुल से। तो लोग बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहे कि तुम लोग तुम यहीं रुको। और जब वे लोग स्वर्ग जाने लगे यज्ञ पूरा करके, तो तस्मय दत्वा यजुः स्वर्गम ते सत्र परिशेषितम, यज्ञ में बचे हुए धन को उन लोगों ने नाभाग को दे दिया दिया, कहा कि ये सब धन तुम्हारा है, तुम ले जाओ। और स्वर्ग चले गए। ये लोग यहाँ के लोक में पड़े नहीं थे, परम विद्वान थे ऋषि लोग, सीधे स्वर्ग चले गए। स्वर्ग जो इस पृथ्वी से लाखों गुना अधिक समृद्ध और सुखी स्थान है, तो चले। अब क्या हुआ कि तम कश्चित स्वीकरिष्यन्तम पुरुषः कृष्ण दर्शन उवाच उत्तरोत्तरोभ्यत्य ममेदम किल वास्तुकम ममेदम वास्तुकम वसु। जब वह ऋषियों के दिए हुए धन को स्वीकरिष्यन्तम स्वीकार कर रहा था, अपना बना रहा था, मतलब यहाँ से अब ले करके गहदल क्या कहते हैं उसको रामा बड़ा बड़ा सामान और वेदी ढा रहा था, खम्भा उखाड़ रहा था, सब इकट्ठा सोना इकट्ठा कर रहा था, बहुत बड़ा धन था। अब तो बेचारा कहीं से ट्रैक्टर हायर करता चाहे कुछ करता तब ले जाता, चाहे जो भी बाद में किसी से विनय करता ले जाता, तो वो इकट्ठा कर रहा था यज्ञ की सामग्रियों को, सोने की सामग्रियों।
श्री करिष्यन्तम् तब तब तक अकस्मात् कश्चित् पुरुषः कृष्ण दर्शन, जिसका दर्शन काला था, काला व्यक्ति था, बड़ा तेजस्वी था, कश्चित् कोई पता नहीं था कहाँ का है, क्या आईडी है, किधर से आया है, कौन है, पता नहीं था। उत्तर दिशा से आया, हिमालय की ओर से, उत्तरतः अभिएत्य, उत्तर दिशा से आया। और काला पुरुष आ करके कहा, ए क्या कर रहे हो, ममेदम वास्तु कम वसु, इस यज्ञ भूमि में जो भी वस्तु हो मेरी है, इसे तुम नहीं ले सकते हो। देखिए आकर के उस व्यक्ति ने इंटरफियर किया, रोक दिया। ममेदम ऋषिभिर दत्तम इतिस्म तरहिस्म मानव, तो मानव वो मनु महाराज के वंश में जन्मा हुआ लड़का बोला, ममेदम, काला पुरुष ने कहा कि ये मेरा है सब, तो ये कहता है कि नहीं मेरा है। उसने पूछा कैसे तुम्हारा है, तो ऋषिभिर दत्तम, ऋषियों ने हमको दिया है, ये सब धन ऋषियों का है और ऋषियों ने दिया है। तो उस काले पुरुष ने कहा ऋषियों ने ही हमको दिया है, उन्होंने ही दिया है, तुमसे पहले हमको दिया है, इसलिए तुम नहीं ले सकते हो। तो लड़का कह रहा था, नाभाग कह रहा था कि मेरा है, मुझे ऋषियों ने दिया है। और वो काला पुरुष वास्तव में भगवान शिव थे, वेश बदल करके वहाँ बात कर रहे थे कृपा करने के लिए नाभाग पर। वो कहे नहीं ऋषियों ने हमको दिया है, अगर नहीं हमको दिया है, अब ये भी राजपूत लड़का अड़ गया, ये हमारा धन है, हमको ऋषियों ने दिया है। और भगवान शिव कह रहे थे कि एक साधारण व्यक्ति के रूप में कि ऋषियों ने पहले हमको दिया है। बात ऐसी है कि जब दक्ष प्रजापति ने साप दिया भगवान शिव को कि यज्ञ में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा, उसके बाद कैसे कैसे यज्ञ विध्वंस हुआ, दूसरा यज्ञ भगवान प्रकट हुए उस यज्ञ में, तो उन्होंने दर्शन दिया, दक्ष प्रजापति ने स्तुति किया, उनका मस्तक भी जोड़ा गया। तो वहाँ पर भगवान शिव से क्षमा मांगे लोग, भृगु जी जिसमें मुख्य थे, ये सब लोग क्षमा मांगे, तो शिव जी का हिस्सा निश्चित किया गया। वो दक्ष ने साप दिया था कि यज्ञ में कोई इनका हक नहीं होगा, हिस्सा नहीं होगा, तो इसलिए उनके वचन की रक्षा करने के लिए भी ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, यज्ञ में रुद्र का कोई हिस्सा नहीं होगा, लेकिन यज्ञ में जो कुछ बचेगा वो उनका हक होगा, यज्ञ में जो भी बचेगा, यज्ञोच्छिष्ट कहते हैं, उत्शिष्ट, यज्ञ में जो बचा वो शिव जी का होगा। तो यज्ञ में बहुत बचता भी है कभी कभी, आज भी देखे होंगे यज्ञ में जितना रुपया बचेगा वो भगवान शिव का होता है, जितना बचता है, जब उसको भी कुछ लोग हजम कर जाते हैं, अपने में ही लगा देते हैं, यही पाप है वास्तव में। जो अनाज बचे, घी बचे, पैसा बचे, वो सब शिव जी का है, ऋषियों ने निश्चित किया। और उसमें किसी जग में सोना चांदी बच जाए तो वो भी भगवान का है, शिव जी का है, ऋषियों ने निर्धारित किया, भगवान के सामने ब्रह्मा जी ने निश्चित किया और सब ने मिल करके कि जग में बचा हुआ धन रुद्र का धन होता है शिव जी। तो भगवान शिव ऐसे ही आकर मजाक कर रहे थे कि हमारा ये है, वो तो सही बोल रहे थे, ऋषियों ने हमको दिया है। और वो लड़का कह रहा था आपको कभी दिया होगा, हमको तो अभी दिया है, ताजा दिया है। वृंदावन में कभी कभी हम सुनते हैं कि एक ही खेत का दो बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है, अब झगड़ा करते रहो। इस तरह से चाल चलते हैं लोग। तो उस काले पुरुष ने कहा, अर्थात भगवान शिव ने कहा कि स्यानव ते पितरी प्रश्न, ठीक है हम में और तुम में विवाद हो रहा है कि धन किसका है,
तो हम दोनों का प्रश्न तुम्हारे पिता में ही होगा, मतलब तुम्हारे पिता ही पंच बनेंगे। तुम अपने पिताजी से पूछ लो कि ये धन तुम्हारा है या हमारा है। बहुत अच्छा हुआ, अपने बाप ही गवाह बना दिए गए अब इससे, और पंच बना दिए गए निर्णय देने वाले, इससे अधिक खुशी की क्या बात होगी। आजकल का लड़का रहता तो कहता कि हाँ हम घूम करके बाप से पूछ कर आए हैं, उन्होंने कहा है मेरा है, और बाप भी कह देता कि हाँ हाँ तुम्हारा है, कौन है, कहाँ से आया है बदमाश, क्यों ऐसा बात कर रहा है। आजकल का पिता ऐसे कह देता। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे पिता ही निर्णायक होंगे, जा करके तुम पूछाओ, मैं यहीं रहता। सन्नौ ते पितरी प्रश्न, तुम्हारे पिता में ही हम दोनों का प्रश्न हो। पृष्ठवान पितरम जथा, तो गया नाभाग गया और अपने पिता नभग जी से पूछा कि पिताजी आपने ठीक कहा था, वे ऋषि लोग हमको धन दे दिए, लेकिन जब मैं उसको स्वीकार कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था, तो उत्तर दिशा से एक काला व्यक्ति आया और वो कहा कि हमारा धन है। हमने कहा कि यह हमारा है, तो उसने कहा कि तुम अपने पिता से पूछो, आपको ही पंच बनाया है, तो आप बताइए वो धन किसका है। तो पिताजी तो परम धार्मिक थे, महान पुरुष, वो सब बात जानते थे, तो वो समझ गए। यज्ञ वास्तु गतम सर्वम उच्छिष्टम ऋषयः क्वचित, उन्होंने कहा बेटा यज्ञ में जो भी बची हुई वस्तु होती है, जो भी धन होता है, तो ऋषियों ने चक्रुर ही भागम रुद्राय, चक्रुर विभागम रुद्राय, उन लोगों ने बंटवारा किया तो यज्ञ में बचे हुए धन को रुद्र को दिया। ये रुद्र का ही धन है। सदेव सर्वम अर्हति, बेटा यज्ञ में क्या कहा है, यज्ञ में बचा हुआ सब तो शिव जी का है ही, इस दुनिया में जो कुछ भी है बेटा सब उनका ही है, वही प्रभु सबके मालिक हैं, जाकर उनसे क्षमा मांगो और कह देना कि हे देव ये सब धन आपका है, आप ले जाइए। देखिए इस तरह से धर्मात्मा लोग होते हैं, थोड़ा भी लोभ नहीं हुआ कि ठीक है ये कह दें कि उनमें से उनको कह देना ले जाएंगे, एक आध किलो सोना तुम भी रख लेना, ऐसा नहीं कहे। नहीं, सदेव सर्वम अर्हति, वो समस्त विश्व के कण कण का मालिक हो, विश्वेश्वर है, स्वामी है, उन्हीं का सब कुछ है बेटा। हम लोगों के पास जो भोजन है, कपड़ा है, सब उन्हीं का है, उन्हीं की कृपा से हम लोग जी रहे हैं, तो तुम जाकर के कह दो कि सब ले जाए। तो नभागस्तम प्रणम्य, नभाग आए भगवान रुद्र के पास और प्रणाम किए और कहे तवेश किल वास्तुकम, हे ईश्वर, हे स्वामी, सब कुछ आपका है, हमारे पिताजी ने कहा है। इत्याह मे पिता ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मन, हमारे पिता ने ऐसा कहा है कि सब कुछ आपका है। सिरसा त्वम प्रसादे, हमने जो आपके साथ विवाद किया, बहस किया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं सिर से आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। तो भगवान शिव तो आए थे परीक्षा लेने के लिए, बाप और बेटा की ईमानदारी को देखने, उनको क्या धन की जरूरत है, वो तो संसार के मालिक हैं, यज्ञ में बचे हुए धन से क्या उनको तात्पर्य था। तो भगवान शिव कहते हैं जत्ते पिता अवदत धर्म त्वं च सत्यम प्रभाषसे ददामी ते मंत्र दृशे ज्ञानम ब्रह्म सनातनम, तुम्हारे पिता ने धर्म की बात कहा है, धर्म के अनुसार प्रवचन किया, बताया, अर्थात धर्म ठीक ठीक निर्णय किया, और तुम च सत्यम प्रभास है, और तुम भी सत्य बोल रहे हो, जो पिता ने कहा है उसको बदले नहीं, ठीक ठीक आकर के यथार्थ बता रहे हो। तो बेटा तुम तो पहले से ही वेदों के विद्वान हो ही मंत्र दृश्य, लेकिन मैं तुमको सनातन ब्रह्म ज्ञान दान कर रहा हूँ, मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि भगवान कृष्ण में तुम्हारा प्रेम होगा, भक्ति होगी, और तुम भगवान कृष्ण का चरण कमल पाओगे। परब्रह्म का यही मतलब है। आज के दुनिया में परमात्मा और परब्रह्म किसी को समझा जाए, लेकिन वास्तविक परब्रह्म है भगवान श्री कृष्ण,
तो भगवान शिव आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरी कृपा से तुमको भगवान कृष्ण का ज्ञान हो जाएगा और तुम उनका चरण कमल प्राप्त करोगे। इतने बड़े कृपालु, जो लड़का बहस किया है लेकिन आकर के सत्य बोला, तो भगवान से उसको ये आशीर्वाद दे रहे हैं। और आशीर्वाद देने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, गृहाण द्रविणम दत्तम मत सत्र परिशेषितम, यज्ञ में बचा हुआ ये धन मेरा ही है लेकिन मैं तुमको ये अपना धन दे रहा हूँ। तो देखिए, ऋषियों ने दिया और भगवान शिव ने भी उसको सर्टिफाई किया, ठीक है ले जाओ, दिया धन दिया। इत्युक्त अंतरहितो रुद्रो भगवान धर्म वत्सल, भगवान शिव धर्म से बहुत प्रेम करते हैं, तो इतना कह करके वे अंतरहित हो गए कि ठीक है धन ले जाओ और तुमको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा और उनका चरण कमल मिलेगा, ये आशीर्वाद दिया। और इतना कह करके भगवान वहीं अंतरहित हो गए, ऐसा नहीं था उत्तर दिशा से आए थे तो फिर जाए या कहीं, वहीं बिल्कुल अलक्षित हो गए। इस कथा को कहकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये तत् संस्मृत प्रातः सायं च सुसमाहितः कबीर भवति मंत्रज्ञो गतिम चैव तथात्मनः। इस प्रसंग को सुबह और शाम कोई याद करे एकाग्रचित से, तो वह व्यक्ति वेदों का विद्वान होता है, मंत्रज्ञ होता है और अंत में उसे अपना स्वरूप प्राप्त हो जाता है, आत्मा की गति को प्राप्त करता है, धन मुक्त हो जाता है, भगवान के धाम में जाता है। यह प्रसंग बिल्कुल छोटा है लेकिन कितना शिक्षाप्रद है। भगवान पर विश्वास करना चाहिए। जब जो आदमी ये सोचता है नहीं मैं अपनी बुद्धि लगा करके अपना हिस्सा लो, ये करो ऐसे करो ऐसे करो, तो फेल हो जाता है। भगवान की कृपा पर रहने वाला व्यक्ति सफल होता है। लेकिन नाभाग कितना सरल थे, जब पिता ने कह दिया कि नहीं नहीं तुमको इन्होंने धन नहीं दिया है बेटा, तुम जाओ ऋषियों को मंत्र दो श्लोक पढ़ करके सुना दो, तो सुनाया और उसके चलते धन मिल गया। जब व्यक्ति स्वाभिमुखी विचार रखता है, मेरा कैसे होगा, क्या होगा, ये होगा वो होगा, तो इसी आइडिया को शास्त्रों में असुर कहा गया है। असुर का ऐसा विचार होता है, हमेशा अपने विषय में सोचते हैं, हमेशा अपने विषय में, दूसरे के विषय में कभी नहीं सोचते हैं। जब भगवान शिव ने कहा कि मेरा है, तो लड़का बाद में कंफ्यूज हो गया और पिताजी से ही पूछा, तो पिताजी ने भी कहा नहीं नहीं धन है भगवान शिव का है, तो भी आकर कहा हाँ सब शिव जी का। जो व्यक्ति ये सोचता रहता है कि मेरा है, मैंने कमाया है, मेरे भोगने के लिए है, दूसरे दुख भोगे चाहे कुछ भी हो, वही वास्तव में राक्षस है, इसको असुर कहते हैं। असुर में और सुर में, देवता में क्या अंतर है? देवता हमेशा दूसरे के विषय में सोचते हैं, दूसरे का कैसे हित होगा, और असुर केवल अपना। यह समुद्र से अमृत निकला तो भगवान धन्वंतरी के हाथ से असुर लेकर के भाग चले। आखिर जब मेहनत हो रहा था तो उधर देवता भी लगे थे, इधर असुर लगे थे, तो असुर लोग तो देवता की तो परवाह ही नहीं किए, यहाँ तक कि अपने ही पक्ष में अपना बाप या चाचा मामा ये सब मत रहे थे, उनको भी नहीं सोचे कि ये भी पिएंगे, वो लेकर के भाग चले। तो जो बलवान था वो अबल के हाथ से लेकर भाग जाता था, फिर उसके हाथ से दूसरा भाग रहा था, तीसरा भाग रहा था, पी नहीं पाए, तब तक मोहिनी आ गई और उसने ऐसा मोह में डाला कि ये दुष्ट पी ही नहीं पाए पूरा, और उसके रूपामृत में फंस गए और उसका उसकी सुंदरता पीने लगे, देखने लगे, इसमें भूल गए। और उस मोहिनी ने ऐसा ट्रिक किया कि इनकी बुद्धि नष्ट हो गई, ये लोग दे दिए अमृत उसके हाथ में और उसने अपने भक्तों को पिला दिया और ये सब ऐसे देखते रह गए। अपने खास बाप को भी वो पीने नहीं देने चाहते थे,
वापस में झगड़ा करने लगे, कहने लगे अहम पूर्वम न त्वम इति, मैं पहले पीऊँगा। तो दूसरा कहता नहीं पहले मैं पीऊँगा, तुम तो केवल खड़े होकर के देख रहे थे, तुमने बासुकी को खींचा नहीं, तुम जोर नहीं लगाए मंथन में, तुम आलसी हो, तुम देख रहे थे मैं मर गया, बाप रे बाप, पहले मुझे पीने दो, पहले मुझे पीने दो। इस तरह से कोई नहीं पी पाए। इस विषय में एक कथा है कि एक बार असुरों ने ब्रह्मा जी पर बहुत आक्षेप लगाया। ब्रह्मा जी इस जगत के सभी जीवों के पितामह माने जाते हैं, दादा, जो सबके प्रति समभाव रखते हैं। लेकिन असुरों ने एक बार अपील किया ब्रह्मा जी के पास, उन लोगों ने कहा कि पितामह आप तो सबके प्रति सम हैं ऐसे हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में आप देवताओं का पक्ष लेते रहते हैं, इंद्र का पक्ष लेते हैं और सबका हमने देखा है, ये हमारी शिकायत है, आप जैसे महान व्यक्ति को इस तरह विषम नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी अब क्या करें, बहुत बड़ा लांछन था जगत के पितामह पर, ये लांछन आ जाए कि ये विषम है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि असुर और देवता दोनों में क्या अंतर है, इसको बता देना चाहिए। तो ब्रह्मा जी एक बार अपने यहाँ फीस्ट किए, भोज दिए और दोनों पक्ष को निमंत्रण दिए, ठीक ठीक असुरों को भी निमंत्रण दिए और देवताओं को भी, यह दिखाने के लिए कि मैं बिल्कुल सम हूँ। वास्तव में ब्रह्मा जी सम हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, दोनों कश्यप जी के ही संतान हैं, देवता या असुर। तो बुलाए अपने घर में सब आए खाने के लिए, तो सबसे पहले उन्होंने बल्कि यह दिखाया कि मैं किसी के प्रति विषमता नहीं रखता हूँ, पहले दैत्यों को ही भोजन कराया जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारी एक शर्त है, आप लोग हाथ पैर धो करके खाइए। और खाने में उन्होंने एक शर्त किया कि भाई हमारे घर में ये आप हाथ से भोजन करेंगे, लेकिन आपके हाथ में एक लकड़ी बांधी जाएगी ऐसी, जो हाथ को सीधा रखेगी, झुका नहीं सकते हैं ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा। तो जितने असुर थे सबके हाथ में लकड़ी बांधी गई, हाथ एकदम सीधा हो गया और अपने हाथ से ही खा सकते थे वे, इतना खुला था, यहाँ से यहाँ तक लकड़ी बांधी गई थी कि यह बेंड झुक नहीं सकता है, इसे सीधा सीधा। तो ब्रह्मा जी कहा ठीक है, शरीर अविद्या जल करके बोल करके उन्होंने कहा ठीक है आप पाइए, और देवताओं को कहा कि आप लोग बाद में पाएंगे। तो चूंकि असुर लोग कभी किसी को खिलाए नहीं थे, केवल स्वयं खाते रहते थे, तो अब ये सांग तो लेते थे किसी तरह से, जो भी ब्रह्मा जी ने दिया था, हलवा चाहे पूरी खीर जो भी दाल भात, ये लोग सांगते थे, लेकिन खाना चाहते थे स्वयं, तो हाथ आ ही नहीं रहा था ऐसे मुंह में, झुके तब तो आवे, वैसे वो करते थे और ऐसे भात या रोटी चला जाता था दूसरी जगह। लोग तबाह हो गए, शांते थे शांते थे। ब्रह्मा जी यह दिखाना चाहते थे कि क्या असुरों में और देवताओं में अंतर। तो भोजन सान करके और ऐसे उठाते थे तो ऐसे आ जाता था, ऐसे आ जाता, खा ही नहीं सके। और इस शर्त देवताओं के प्रति भी थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा देवता असुर सब हार गए, मतलब अब खा नहीं सके, देवताओं को कहा, उनके सामने ही दूसरी पंक्ति लगी, उन्होंने कहा देवता आप लोग खाइए, तो ऐसे लाइन बैठी थी। तो देवता लोग चूंकि दूसरों को खिलाने के अभ्यस्त हैं, उनको दूसरे की चिंता होती है, तो वे शान शान करके एक दूसरे के मुंह में देने लगे, उधर बैठे हुए देवता वो खाने लगे और वो देवता शान करके इधर देने लगे, खाने लगे, लकड़ी बांधो चाहे कुछ भी वो दे दे करके खिलाने लगे, देवता सब भर पेट खा लिए। और असुरों के पास भोजन रहते हुए भी चूंकि स्वार्थी थे, स्वयं खाना चाहते थे, अतः एक कवर भी नहीं खा पाए।
बाद में ब्रह्मा जी ने लकड़ी खुलवा दिया, बेचारे खा लिए, लेकिन इस तरह से उन्होंने दिखाया कि असुरों का ये स्वभाव है। दूसरों को खिलाना जानते नहीं, स्वयं केवल सब कुछ लेना चाहते। तो ब्रह्मा जी बताए कि ये अंतर है, वास्तव में ब्रह्मा जी के द्वारा कोई अंतर नहीं है, लकड़ी सबके हाथ में बांधी गई, देवताओं को भी और दैत्यों को भी, लेकिन दैत्य खा नहीं पाए, देवता खाए। तो इस तरह से जब व्यक्ति दूसरों के प्रति दृष्टि रखता है कि उसका परिवार कैसे चलता होगा, उसका बच्चा कैसे जीवित रहेगा, पढ़ेगा, गरीब कैसे रहेंगे, तो भगवान स्वयं ही उस सोचने वाले को धन देते हैं। यदि कोई दूसरे के लिए सोचता है तो उसको भगवान देते हैं, ये नियम है। तो आप देख सकते हैं कि कितना छोटे से परिश्रम से नाभाग को इतना बड़ा धन, और इसके साथ ही साथ भगवान शिव का दुर्लभ आशीर्वाद मिला, भगवान कृष्ण की भक्ति और ज्ञान सब कुछ मिल गया। महाराज अम्बरीश के पिताजी इतने महान थे, इस बात का लिंक यहाँ से है। महाराज अम्बरीश बहुत बड़े भक्त हुए तो उनके पिताजी भी इसी तरह से महान थे। उन्होंने भगवान शिव का दर्शन पाया था। तो अब यहाँ से हम फिर प्रारंभ करते हैं। नाभागादम्बरीशो भूत महाभागवत कृति नास्पृशद ब्रह्म शापो भी यमुना प्रतिहत क्वचित। महाराज अम्बरीश सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नाभाग से हुए, नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, ये अम्बरीश महाभागवत, ये भगवान के बहुत बड़े प्रेमी थे। महाभागवत, भागवत का अर्थ होता है भगवत भक्त, भगवान का प्रेमी, और महाभागवत मतलब भगवान का बहुत बड़ा प्रेमी। कृति, उन्होंने बहुत पुण्य कर्म किया था, भक्ति किया था, जो किया हो उसको कृति कहते हैं। जिसने किया, क्या किया, भगवत भक्ति किया, पुण्य किया, दूसरे का हित किया, धर्म किया, इसका ही अर्थ है। उन्होंने जीवन में बहुत बड़ा धर्म किया था, पुण्य किया था, भगवान की भक्ति किया था, और इतने महान भक्त कि उन पर ब्रह्म साप भी काम नहीं किया। एक बार दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज को मारने के लिए कृत्य उत्पन्न किए, अपनी जटा उखाड़ करके और मंत्र पढ़ करके उन्होंने कृत्य उत्पन्न किया, जो ऐसा कहा गया है आगे कि कालाग्नि जितना भयंकर होता है, प्रलय काल में जो आग लगती है ब्रह्मांड में भयावह आग, उतना भयावह वह कृत्य थी, उतनी प्रचंड ज्वाला उसमें थी। दुर्वासा जी ने अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या उत्पन्न किया, लेकिन वह कृत्यानल भी, कृत्याग्नि भी प्रतिहत, वो नष्ट हो गया, जो कि अन्य कहीं भी नष्ट नहीं होता है। आज तक नहीं सुना गया कि ब्राह्मण का अभिशाप, उसका अभिचार विफल हो गया हो। यम न प्रतिहत क्वचित, जो कभी भी प्रतिहत नहीं हुआ है किसी भी काल में किसी भी व्यक्ति पर, लेकिन अम्बरीश पर वो प्रतिहत हो गया, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो अम्बरीश महाराज की महानता बता रहे हैं। इसको सुन करके महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, भगवान स्रोत मिच्छामि अम्बरीश राजर्षेश तस्य धीमतः न प्राभुज्यत्र निर्मुक्तो ब्रह्म दंडो दुरत्यय। हे भगवान, हे सर्वज्ञ शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी, मैं राजर्षि अम्बरीश के चरित को सुनना चाहता हूँ। महाराज अम्बरीश के लिए धीमान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, परम बुद्धिमान अम्बरीश महाराज। परम बुद्धिमान कौन है? जो व्यक्ति भगवान कृष्ण से प्रेम करता है और संसार को भूल करके कृष्ण की ही याद में मस्त रहता है, कृष्ण को ही अपने जीवन का परम लाभ मानता है, तो इसको वास्तव में धी कहते हैं, बुद्धि।
ऐसी बुद्धि से युक्त थे अम्बरीश महाराज, धीमत तस्य राजर्षि, परम बुद्धिमान उन राजर्षि के श्रोतुम इच्छा में सुनना चाहता हूँ, क्या चरितम इति शेषः, मैं चरित सुनना चाहता हूँ जिन पर निर्मुक्त दुरत्ते ब्रह्मदंड भी न प्राभूत, प्रभाव नहीं डाल सका। एक महान ऋषि के द्वारा ये ब्रह्मदंड उत्पन्न किया गया, ब्रह्मदंड मतलब ब्रह्मशाप कृत्या, लेकिन दुरत्य किसी भी उपाय से जिसको प्रतिहत नहीं किया जा सकता, पार नहीं किया जा सकता, उसको दुरत्य कहते हैं। दुर्वासा मुनि का जो यह आक्रमण था और कृत्यानल उत्पन्न करना, प्रचंड अग्नि, यह दुरत्य, दुरत्य किसी भी उपाय से उसका समन नहीं किया जा सकता, वो अपना फल ले चुका कर कहीं मानता है। पर ऐसा दुरत्य ब्रह्मदंड भी राजर्षि अम्बरीश को कुछ भी नहीं कर पाया, उनको अभिभूत नहीं कर पाया। तो महाराज परीक्षित के प्रश्न का यह आशय है कि मैं महाराज अम्बरीश के चरित्र को सुनना चाहता हूँ, और उसमें भी विशेष करके वह प्रसंग सुनना चाहता हूँ कि किस प्रकार दुर्वासा जी का अभिशाप उन पर कोई काम नहीं किया, इस बात को मैं विशेष सुनना चाहता हूँ। इसीलिए वो कहते हैं न प्राभूत जत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदंड दुरत्य, जिन पर दुरत्य ब्रह्मदंड भी काम नहीं किया, ऐसे राजर्षि के चरित्र को मैं सुनना चाहता हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी अब यहाँ से महाराज अम्बरीश के भक्तिमय गुणों का वर्णन करते हैं। अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवती महिम अव्ययाम च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि, मेनेति दुर्लभं पुंसां सर्वं तत्स्वप्न संस्तुतं, विद्वान विभव निर्वाणं तमो विशति जत्पुमान। अम्बरीश महाराज सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक क्षत्र सम्राट थे, और उनके पास अचल श्री थी, अव्ययाम श्रियं, धन बहुत अधिक था, अव्ययाम कितना भी खर्च किया जाए वो धन खर्च होने वाला नहीं था, धन बढ़ता ही जा रहा था, और ऐश्वर्य अतुलं भुवि, अतुल ऐश्वर्य, ईश्वरताई सिद्धियाँ आदि जिसकी कोई तुलना नहीं थी जो महाराज अम्बरीश को प्राप्त थी। परंतु धन और पद को, ऐश्वर्य को, जो अति दुर्लभम पुंसां, जो अन्य लोगों के लिए बहुत दुर्लभ था, वैसा धन और वैसा पद है, लेकिन धन और पद को महाराज अम्बरीश क्या मानते थे, स्वप्न संस्तुतम मेने, वे ऐसा मानते थे कि मैं सपना देख रहा हूँ कि ये सब धन है, उनको सपना जैसा अति तुच्छ मानते थे। यह कहने का आशा, इतना बड़ा पद धन सब कुछ राज, लेकिन इसको स्वप्न संस्तुतम, स्वप्न के सदृश मानते थे, तुच्छ मानते थे। जैसे कोई मनुष्य सपना देखता है तो सपना देखने के बाद जब नींद टूट जाती है और सपना की याद आती है तो वास्तव में बुद्धिमान आदमी उसको बहुत तुच्छ मानता है, सब सपना जैसा झूठा है। मूर्ख लोग उस सपने को ही सत्य बनाने की सोचते हैं जो कभी होने वाला है नहीं, कभी ऐसा नहीं होता है। और ये शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, हमारे सपने सत्य होकर रहेंगे, क्या सत्य होकर के रहेंगे, सपना सपना है। सपना जैसा मिथ्या झूठा अनस्थिर, ये धन को और पद को मानते थे, ऐश्वर्य माने पद और श्री माने धन, इसको सपना जैसा मानते थे तुच्छ। विद्वान विभव निर्वाण, ये जानते थे कि एक दिन, एक न एक दिन इस पद का, धन का, शरीर का, सबका नाश हो जाता है। विद्वान विभव निर्वाण, विभव निर्वाण, निर्वाण का अर्थ होता है समाप्ति, एक न एक दिन ये धन आदि सब छूट जाता है,
पद छूट जाता है, धन छूट जाता है, शरीर भी चला जाता है और व्यक्ति धन और पद के कारण ऐसा लिपटा रहता है, ऐसा आसक्त रहता है धन में पद में और वह तमो विसति नरक में जाता है। इस संसार में सबसे ज़्यादा नरक में जाने वाले धनी लोग होते हैं, ऐसा लिस्ट बनाया जाता है। बाइबल में ईसा मसीह ने भी कहा है, क्राइस्ट ने भी कहा है कि जैसे ऊंट सुई के नोक से पार नहीं हो सकता है, उन्होंने तो ये भी कहा कि आदमी स्वर्ग में चला जाए ये नहीं हुआ, क्योंकि वो धन पा करके पागल हो जाता है, वो विषयों में लग जाता है। जितना भी सिगरेट पीना, शराब पीना है, ये शराब ज़्यादा से ज़्यादा धनियों के ही कंठ में जाता रहता है ना, क्योंकि इनका दाम बहुत हाई है और व्यभिचार करने के लिए, वेश्यागमन आदि करने के लिए धनियों के ही भाग्य में लिखा है, क्योंकि उनके पास धन है। तो ये सब नरक में कौन जाएंगे, यही जाएंगे ना, पशुओं की हत्या कराते हैं, मांस खाते हैं, मांस बेचते हैं, फिर नरकगामी होंगे, ये भी बिल्कुल बात सही है। महाराज अम्बरीश सोचे कि ये तमो विशति जत पुमान, श्री और वैभव ऊंचे पद के कारण व्यक्ति नरक में चला जाता है, ये जानते थे इस बात को। इसीलिए अपार संपत्ति को और अतुल्य वैभव को वे सपना की तरह तुच्छ और बेकार मानते थे, वे भगवान कृष्ण को ही केवल सत्य मानते थे, वही हमारे सब कुछ है, उन्हीं में सुख है, उन्हीं में नित्य जीवन है, दुख नहीं है, इस तरह से मानते थे। और यह पा करके, इस रहस्य को कह करके सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि इस तरह से कोई भी व्यक्ति यदि भगवान कृष्ण का भक्त है और कृष्ण के प्रेमियों का भक्त है, साधुओं का, तो उसके लिए यह सारा विश्व मिट्टी के ढेले के समान बेकार है। वासुदेवे भगवती तद भक्ते सुच साधुसु प्राप्तो भावम परम विश्वम जनेदम लोष्ठवत स्मृतम। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण में भक्ति भाव प्राप्त कर लिया है, जिसका कृष्ण में प्रेम है और कृष्ण के प्रेमी साधुओं में जिसका प्रेम हो गया है, भाव मिल गया है, उस व्यक्ति के लिए सारा विश्व एक मिट्टी के ढेले की तरह तुच्छ है। भगवान कृष्ण के भक्ति में और उनके प्रेमियों के, साधुओं के भक्ति में जो सुख है, उसके आगे संसार का सुख है, स्वर्ग का सुख है और पृथ्वी का सुख, सारा इदम विश्वम लोष्ठवत स्मृतम। लोष्ठ एक ढेला का नाम, वो भी मिट्टी का ढेला, जो पत्थर का ढेला भी कुछ काम में आ जाता है वो भी नहीं है, पत्थर का ढेला गिट्टी बन जाता है, छत बनाने के काम में आता है, कुछ तो काम है, लेकिन ऐसे मिट्टी का ढेला समझा जाता है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर चुका है और उनके प्रेमी साधु का प्रेम प्राप्त कर चुका है, उसके लिए विश्व की सारी संपत्ति, सारा सुख मिट्टी के ढेले की तरह नगण्य है, तुच्छ है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं। परीक्षित उस समय भागवत सुन रहे हैं, राज्य छोड़ चुके थे, पत्नी का त्याग कर चुके थे, सब कुछ छोड़कर भगवान के धाम में जाने के लिए बैठे। महाराज परीक्षित का उत्साह कितना बढ़ रहा होगा महाराज अम्बरीश के इस चरित्र को सुनकर। महाराज अम्बरीश के लिए सारी दुनिया मिट्टी के ढेले के समान, बल्कि स्वप्नवत तुच्छ। इतना बड़ा पद और धन होते हुए भी इसको इतना तुच्छ समझना, यह अद्भुत बात है। अतः ये बता रहे हैं, उनकी भक्ति का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, उनका मन, उनकी इंद्रियां केवल कृष्ण में लगी थी, अद्भुत भक्ति थी, तो उसी को कह रहे हैं। सवई मनः कृष्ण पदारविन्दयः वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने
करौ हरेर मंदिर मार्जना दिशो श्रुतिं चकारा चित सत कथो भये। महाराज अम्बरीश अपने मन को कृष्ण पदार विंदयो चकार, भगवान श्री कृष्ण के जुगल चरण में लगाए थे, चरण कमल में। चरण कमल का अर्थ है भगवान के सुंदर रूप में लगाए थे। चरण से ही बड़े लोगों का वर्णन किया जाता है। अगर चरण कहा जाए तो उसे उनको पूरा पूरा समझ लेना चाहिए। चरणार विंदयो हो मतलब भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल में, अधर कमल में, हस्त कमल में, चरण कमल में उनका सर्वांग सुंदर श्री विग्रह है, उसी में लगाए थे, उसी का चिंतन किया करते थे। सवई मन कृष्ण पदार विंदयो चकार, ये चकार क्रिया सब जगह लगेगी। अपने किस अंग को भगवान के किस भक्ति में लगाए थे, तो मन को उन्होंने लगाया था श्री कृष्ण के सुंदर रूप के चिंतन में। नख से सिख तक और सिख से नख तक भगवान श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु परम सुंदर हैं, उनकी लीलाएं परम मधुर हैं, इसी का चिंतन कर किया करते थे हमेशा। और किसी भी अन्य वस्तु में उनका मन नहीं लगा था। वही शब्द ये और अवग्रह के लिए प्रमाण के लिए सवई मन कृष्ण पदार विंदयो, उनका मन निश्चित ही एकाग्र भाव से श्री कृष्ण के चरण कमल में लगा हुआ था, उन्होंने लगाया था। सवई मन कृष्ण पदार विंदयो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन है, और वचांसी उनके वचन किस में लगे थे, वैकुंठ के गुणानुवर्णन में। वैकुंठ विकुंठा के पुत्र को कहते हैं, वैकुंठ भगवान श्री विष्णु या कृष्ण, उनके जो भी गुण हैं, उनके लीला चरित विशेषता, उसी का बखान करने में महाराज अम्बरीश अपने वाणियों को लगाए थे। वचांस बहुवचन में वचांसी शब्द का प्रयोग, अपने वचनों को भगवान के गुणानुवाद में लगाए थे। जब भी बोलते थे तो कृष्ण के किसी न किसी गुण को बोलते थे, लीला को बोलते थे, फालतू बात नहीं बोलते। वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, वैकुंठ के गुण अनुवर्णन में लगाए थे। अनुवर्णन का अर्थ निरंतर वर्णन, अथवा पहले के भक्तों ने आचार्यों ने जो वर्णन किया है कृष्ण का, उसी का वे वर्ण गायन किया करते थे। वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन है अनुवर्णन में, भगवान की महिमा को गाने में कभी कभी था, कभी पद गाते थे, कभी जप करते थे, कभी भागवत पढ़ते थे, इस तरह से अपनी वाणी को लगाए थे। वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, और इतने बड़े सम्राट थे फिर भी स्वयं ही भगवान की सेवा करते थे, श्री विग्रह रखे थे, और मंदिर मार्जन स्वयं ही किया करते थे। अनेक सेवक थे लेकिन सेवकों को तो लगाते ही थे, परंतु स्वयं करते थे मंदिर मार्जन आदिशु, भगवान की सेवा, मंदिर मार्जन और भी जो सेवा है, जैसे फूल उगाना, फूल तोड़ करके माला बनाना, चंदन घिसना इत्यादि, भगवान को पंखा झलना, हाथ से जो भी भगवान की सेवा है वो स्वयं करते थे, अपने इंद्रियों को लगाए थे इस तरह। करो हरेर मंदिर मार्जना दिशु श्रुतिम चकारा चित्सत कथोदय, और अच्युत की सुंदर और दिव्य लीलाओं के श्रवण में श्रुतिम चकार अपने कान को लगाए थे। मन को कृष्ण के चरणारविंद में लगाए थे, और वचन को वैकुंठ के गुणों के वर्णन में लगाए थे, हाथ को मंदिर मार्जन आदि में, और कान को उनके सतकथा के उदय में। उदय मतलब श्रुतिम चकाराचित सत कथोदय श्रवण में लगाए थे। सतकथा उदय का अर्थ है बड़े बड़े वैष्णवों के मुख से
भगवान की कथा भूति थी, उन कथाओं के उदय में अपने श्रवण को लगाए थे, अपने कान को लगाए थे, सुनते रहते थे, सुनते रहते थे। इतना बड़ा सम्राट, सप्तद्वीपवती पृथ्वी के सम्राट थे, लेकिन भगवान के भक्ति में पूर्ण निमग्न थे, पूरा समय लगाए थे। तो कान को, मन को और वचन को और इसके साथ साथ हाथ को, इन इंद्रियों का वर्णन हुआ। और आगे कहते हैं, मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्याम रसना तदर्पिते रसनाम तदर्पिते। आँखों को कहाँ लगाए थे? मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ, श्री मुकुंद की जो मूर्तियाँ हैं, जो प्रेम के दाता हैं, मुक्ति के दाता हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्तियाँ हैं, मुकुंद लिंग, लिंग का अर्थ होता है श्री विग्रह चिन्ह। श्री कृष्ण के श्री विग्रह जहाँ रखे हुए हैं, जो आलय हैं, मंदिर हैं, उनको देखने में आँखों को लगाए थे, अथवा मुकुंद के श्री विग्रह को, मंदिर को, और मुकुंद जहाँ रहते हैं जिनके हृदय में, ऐसे वैष्णवों के दर्शन में अपने आँखों को लगाए थे। तो भगवान के श्री विग्रह के दर्शन में और वैष्णवों के दर्शन में वे अपने आँखों को लगाए थे, आँखों से देखते थे, दर्शन करते थे। विष्णु के भक्तों का दर्शन और भगवान के श्री विग्रह का दर्शन, भगवान का दर्शन। और भी बात है, क्या आँख से आँख और लगाए थे, मतलब पढ़ने में लगाए थे। श्रीमद् भागवतम भी मुकुंद लिंग, यहाँ भी भगवान निवास करते हैं। ऐसा कहा गया है कि श्री कृष्ण भागवत में बसते हैं, और जब अंतरहित हुए तो अपने को भागवत में ही रह करके अंतरहित हुए। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जिसमें भगवान स्वयं अपने को रखे हों, ये श्रीमद् भागवतम है जिसमें वो अपने को रखे। तिनयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे, इसीलिए श्रीमद् भागवत संहिता यह प्रत्यक्ष कृष्ण की मूर्ति है। दर्शनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम्। श्रीमद् भागवतम का दर्शन करने से और सुनने से व्यक्ति को वैकुंठ प्राप्त होता है। यह अद्भुत ग्रंथ है, यह प्रत्यक्ष कृष्ण का वांगमय विग्रह है। ये शब्द नहीं है, वास्तव में शब्दमय विग्रह है भगवान श्री कृष्ण का। तो इसको वे पढ़ते थे, आँखों का प्रयोग करते थे, भगवान के श्री विग्रह को देखते थे, श्रृंगार करते थे, और भगवान के भक्तों का दर्शन करते थे। मुकुंद लिंग इनको भी कहा गया है, जहाँ पर मुकुंद लिंग्यते इति लिंग, जहाँ पर भगवान का दर्शन होता है, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नंबर वैष्णव पराण। वैष्णवों के हृदय में भगवान डायरेक्ट रहते हैं। ऐसे रामचरितमानस में लिखा गया है कि बंदों पवन कुमार खलबन पाव ज्ञान घन जास हृदय आगार बस ही राम सर चाप धर। श्री हनुमान जी के हृदय में भगवान श्री राम धनुष बाण लेकर के प्रत्यक्ष विराजते हैं, डायरेक्ट विराजते हैं। एक बार ऐसी कथा लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम जब अयोध्या में आ गए थे और शासन कर रहे थे, राम राज्य स्थापित हो गया था, तो एक बहुत बड़ा जौहरी ज्वेलर वो ला करके भगवान श्री राम को एक हार दिया, मोती का हार था, बहुत सुंदर, वो हार दिया श्री राम को। तो भगवान श्री राम उसे दे दिए सीता जी को, और सीता जी ने ऐसे ही उपहार के रूप में श्री हनुमान जी को दे दिया। तो हनुमान जी बानर हैं ही,
वो दांत से कड़ कड़ तोड़ तोड़ करके देखने लगे, वो पहने नहीं, वो एक एक मोती को तोड़ तोड़ करके देख रहे। जौहरी जो हीरा दिया था वो रंज हो गया, जौहरी जो हार दिया था वो रंज हो गया वहाँ पर, क्या इस बानर को लोगों ने दे दिया और इसका महत्व तो नहीं जानता। तो सबके सामने उसने हनुमान जी को कहा, हनुमान जी आप इस तरह से ये माला तोड़ रहे हैं, मैंने इतना मेहनत से बनाया है, आप क्यों तोड़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तोड़ कर देख रहा हूँ कि इसके भीतर सीताराम जी हैं कि नहीं, यदि सीताराम जी नहीं होंगे तो मेरे किसी काम की चीज़ें नहीं हैं। तब जौहरी ने कहा तो क्या आपके भीतर सीताराम हैं क्या कि देह रखे हैं? इस माला के मोतियों में सीताराम नहीं है तो आप फेंक रहे तोड़ रहे, क्या आपके हृदय में सीताराम हैं इसलिए आप शरीर रखे हैं? तो हनुमान जी ने कहा हाँ मैं तो ऐसा ही समझता हूँ कि मेरे हृदय में भगवान हैं तब मैं शरीर को रखा। यदि हमारे हृदय में भगवान राम और सीता जी नहीं रहेंगे तो मैं इस शरीर को नहीं रखूँगा। तो क्या आप दिखा सकते हैं आपके आपके शरीर में भगवान हैं? तो हनुमान जी ने कहा कि हाँ मैं इसीलिए देह रखा हूँ कि इसके भीतर सीताराम जी हैं। तो सभा के सामने उस जौहरी ने चैलेंज किया और श्री हनुमान जी अपने वज्र नख से अपनी छाती फाड़ करके दिखा दिए, उसमें सीताराम जी थे। हम लोग देखते हैं कि हनुमान जी अपनी छाती फाड़े हैं और उसमें भगवान अपने प्रिया जी के साथ विराजमान हैं, सब लोग दर्शन करते हैं। तो इस तरह वैष्णवों का जो हृदय है वह भी भगवान का लिंग माने तो मतलब वहाँ में निवास करते हैं, लिंग मतलब चिन्ह। तो श्री विग्रह में तो भगवान रहते ही हैं, मूर्ति में भगवान रहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इससे भी अधिक प्रमाणिक रूप में भगवान अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कुरुक्षेत्र में स्वयं ही ऋषियों से कहा है जत तीर्थ बुद्धि सलिले न करह चित जनेश अभिज्ञेशु सएव गोखर। जो व्यक्ति ये समझता है कि पानी तीर्थ है, किसी नदी में सरोवर में तीर्थ बुद्धि करता है, पर किसी वैष्णव में अभिज्ञ जन में ज्ञानी भक्त में अगर तीर्थ बुद्धि नहीं करता है तो वह व्यक्ति बैल और गधा है, सएव गोखर वही बैल गधा है। ये बेचारे बैल गधा गधा नहीं है, तो अपने कर्मानुसार शरीर पाए हैं, लेकिन मनुष्य शरीर में असली गधा और असली बैल वही आदमी है जो वैष्णव में तीर्थ बुद्धि नहीं करता। जब तीर्थ बुद्धि सलिले न कर चित, तीर्थ करने जाएगा, इस कुंड में स्नान करो, उधर करो, इधर करो, इधर करो, लेकिन वैष्णवों के मुख से कभी कथा नहीं सुने। असली तीर्थ हैं वैष्णव, वे जितना शुद्ध करते हैं उतना तो गंगा जी भी शुद्ध नहीं करती। गंगा जी में बहुत काल तक स्नान किया जाता है तब शुद्ध करती हैं, लेकिन वैष्णव तो दर्शन मात्र से शुद्ध कर देते हैं। तो महाराज अम्बरीश अपने आँख को लगाए थे वैष्णवों का दर्शन करने में, यह एक अर्थ है। मुकुंद लिंगा लय दर्शने दृशव तदभृत्य गात्र स्पर्शेंग संगम, और अपने स्पर्श इंद्रिय को कहाँ लगाए थे, किसका स्पर्श करते थे, तदभृत्य गात्र स्पर्शे। भगवान ने विष्णु के भक्तों के गात्र स्पर्श चरण आदि का स्पर्श करने में अपनी स्पर्श इंद्रिय को लगाए थे, मतलब उन्हीं को छूते थे, प्रणाम करते थे, ये अर्थ है। अंग स्पर्श का मतलब ये नहीं है कि धक्का दे करके और छू लेते थे उनके चरणों को छूते थे अपने उत्तम अंग से, अपने सिर आदि से और हस्त से वैष्णवों के चरण आदि का स्पर्श करते थे, यह अर्थ है। यह भी एक साइंस है वास्तव में, जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान है उसको देखने से उसको छूने से पाप कट जाता है, भगवान की भक्ति मिलती है। यदि रियल किसी वैष्णव के हृदय में भगवान बसे हैं तो शुद्ध वैष्णव।
ऐसा हमने भागवत में पढ़ा है कि जब ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन करके आए, जब अपने गांव के बगीचे में पहुंचे राजधानी के, तो किसी ने खबर दिया महाराज उत्तानपाद को कि आपका बेटा आ गया। तो वे उसकी अगवानी करने के लिए, रिसेप्शन करने के लिए निकले मंत्रियों के साथ, ब्राह्मणों के साथ और समस्त जनता के साथ निकले अगवानी करने के लिए। जो लड़का घर से निकाला हुआ था, लेकिन जब वो भगवान को प्राप्त करके आया, तो वही निकाले हुए पिताजी अब जा रहे हैं अगवानी करने के लिए। और सुरुचि भी गई साथ में, और सुनीति, ध्रुव की माँ तो गई। तो जब उत्तानपाद महाराज ध्रुव का लिंगन कर रहे थे, उठा करके हृदय से लगा रहे थे, तो उनको बार बार यही स्मरण आ रहा था कि मेरा बेटा भगवान को छू कर आया है, इसीलिए वो बार बार आलिंगन कर रहे थे। कृष्ण को, विष्णु को छू करके ध्रुव महाराज आए हैं, तो परम दिव्य हो गए हैं, तो इसलिए महाराज उत्तानपाद उनको और प्रेम से आलिंगन कर रहे थे। अरे, हम भगवान को नहीं छू पाए हैं, लेकिन यह व्यक्ति भगवान को छू कर आया है, स्पर्श करके आया, ये भावना उनकी थी। तो अम्बरीश महाराज वैष्णवों के चरण छूते थे और उनका आलिंगन कर प्राप्त करते थे, वे लोग आलिंगन करते थे, तो उसको बड़े आनंद से ग्रहण करते थे। यह है भगवान की भक्ति। भक्ति केवल यही नहीं है कि बस मुंह से जप किया जाए, और कई प्रकार की भक्ति है। वैष्णवों के चरण छूना या आलिंगन करना, उनका स्पर्श होने पर अपने को कृतार्थ मानना, अपने को धन्य मानना, यह भक्ति है। और इस तरह से लगाए थे अपने स्पर्श इंद्रिय को, तद्भृत्य गात्र स्पर्श अंग संग में, अपने शरीर के अंगों को लगाए थे। और घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभ तुलस श्रीमद तुलस्याम, और अपनी नासिका को, घ्राण वृत्ति को, सूंघने की भावना को किस में लगाए थे? भगवान के श्री चरणों पर चढ़ाई गई श्री तुलसी की गंध में अपनी नासिका को लगाए थे, तुलसी सूंघते थे, या भगवान के चरणों पर चढ़ाए हुए पुष्प को सूंघते थे, या भगवान के चरणों पर अर्पित किए हुए केसर आदि की सुगंध फैलती थी। तो कृष्ण के चरण के सुगंध से जो सुवासित रहती हैं, ऐसे तुलसी में, तो कोई भी वस्तु जो भगवान पर अर्पित किया गया है, उनके मुख पर, गले में या बाह में या शरण में, कहीं भी जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित वस्तु थी, उसी को सूंघने में अपनी नासिका को चकार लगाए थे। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौभगे श्रीमद तुलस्यम रसनाम तदर्पित, और रसना अपनी रसनेन्द्रिय को, जिह्वा को कहाँ लगाए थे? तदर्पित, भगवान को जो प्रेम से भोग लगाया गया है, जो नैवेद्य अर्पित किया जाता था, जो कुछ भगवान खाते हैं, उसी को खाने में, उसी का स्वाद लेने में महाराज अम्बरीश अपनी रसना को नियोजित किए थे, लगाए थे। इस तरह जीव से भक्ति कर रहे थे। तो वचन से वैकुंठ गुणानुवर्णन तो पहले कहा ही जा चुका है कि अपने वाणी को लगाए थे भगवान के गुण कीर्तन में, नाम कीर्तन में, नाम जप में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर पड़े, अपने दोनों पैर को कहाँ लगाए थे? भगवान के क्षेत्र में, तीर्थ में, श्री वृंदावन में, श्री गिरिराज जी में, या इन इन स्थानों में पैदल लगाए थे, पैदल चलने में अपने पैरों को थकाते थे। ये बहुत बड़ा भाग्य है वास्तव में। यहाँ दिल्ली के निकट श्री गिरिराज जी हैं, और श्री जमुना जी तो निकट ही बहती हैं, पर गिरिराज जी वही पर्वत हैं जिनकी कंदराओं में भगवान अपने सखाओं के साथ खेलते थे, गौएं चराते थे, गौओं को पानी पिलाए हैं मानसी गंगा आदि में। और यह वह गरिमामय पर्वत जिसको श्री कृष्ण
इंद्र की वर्षा से ब्रज की रक्षा करने के लिए 7 दिन अपने श्रीमद अंगुली पर धारण किए, वो वही पर्वत है। इसमें तो कोई भावना भी नहीं करने की जरूरत है कि यह एक पवित्र क्षेत्र है। कोई व्यक्ति केवल जाए भी, प्रणाम करे, दर्शन करे और फिर परिक्रमा करे, तब तो कहना ही क्या है। महाराज अम्बरीश इस तरह भगवान के धाम की यात्रा में अपने पैर को लगाए थे। पादव हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे अनुसर्पणे, सर्पण का अर्थ है तेज तेज चल करके चले जाते थे। भगवान के धाम की यात्रा में निकल जाते थे। ये प्रश्न आगे होगा कि तो शासन कैसे चलता था, प्रजा का पालन कैसे होता था, इसका भी सुखदेव गोस्वामी उत्तर दिए हैं कि कैसे पालन होता था प्रजा। लेकिन महाराज अम्बरीश तो पर्सनली भगवान की भक्ति में ही लगे रहते थे। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो हृषि केश पदाभिबंदने, अपने चरणों को भगवान के धाम की यात्रा में परिक्रमा में लगाए रहते थे। जो सबसे पहला धाम और निकटतम तो वृंदावन ही है, इसलिए मैं उसका उदाहरण दिया। लेकिन इसके अलावा भी जैसे द्वारका, जगन्नाथपुरी, मायापुर, हरिद्वार, ये सब तीर्थ हैं, ये भगवान के ही पद हैं, हरि के क्षेत्र हैं, यहाँ भी बारंबार जाया करते थे। पादव हरे क्षेत्र पदानुसार पर पादव पैर से चलते थे, पैदल चलते थे। बताइए इस समय कार से जाने में क्या दिक्कत है, वहाँ पैदल भले करे लेकिन यहाँ से ही पैदल नहीं चलना है। और महाराज अम्बरीश शुरू से ही पैर से जाते थे, ऐसा नहीं कि रथ पर चढ़ करके गए और गिरिराज जी की परिक्रमा चली थी, बाद में पैदल चलते थे। इतने बड़े राजा थे, सारी दुनिया उनके सामने झुकी रहती थी, लेकिन वे सिरा हृषिकेश पदाभिबंदन, अपने सिर को हृषिकेश इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के चरण वंदना में लगाए रहते थे। सिरा सबसे उत्तम अंग को भगवान को प्रणाम करने में लगाए रहते, सबसे उत्तम प्रणाम तो गिरिराज जी को ही प्रणाम करना है वास्तव। और वैसे यदि दूर हैं तो अपने घर में भगवान का श्री विग्रह रह करके, फोटो रह करके, या निकट में मंदिर है तो मंदिर में भगवान को बार बार प्रणाम करना, यह सौभाग्य है। जो सौभाग्य महाराज अम्बरीश ने प्राप्त किया वह सौभाग्य सबका हो सकता है। भगवान ने सिर दिया है, पैर दिया है, पैर को भगवान के धाम की परिक्रमा में, या मंदिर में भगवान का विग्रह है तो वहाँ भी भगवान की परिक्रमा की जा सकती है, वहाँ भी दर्शन किया जा सकता है। इस तरह से पैर को उन्होंने लगाया था श्रीधाम की यात्रा आदि में, और सिर को प्रणाम में लगाया था। सिर झुकाना चाहिए, किसके सामने सिर झुकाना चाहिए? सिर झुकाना चाहिए दो व्यक्ति के सामने, एक तो भगवान के सामने और भागवत के सामने। भागवत मतलब वैष्णव, भागवतांग्री रेण, भक्तों को देखकर प्रणाम करना, सिर झुकाना। व्यक्ति को ऐसे अभिमान में नहीं रहना चाहिए, हम केवल जहाँ तहाँ प्रणाम करें, क्या जरूरत। अपने अंदर जो अहंकार है व्यक्ति का, वो उसको झुकने नहीं देता है। हम क्यों प्रणाम करें, अरे करोगे क्या? प्रणाम भगवान को जो नहीं करेगा वो जीवन में कोई विकास नहीं प्राप्त कर सकता है। सारा आशीर्वाद कृष्ण से मिलता है, विष्णु से मिलता है। तो कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम करने की कला सीख जाता है, बारंबार प्रणाम प्रणाम, तो भगवान का आशीर्वाद उसके जीवन में बरसता रहता है। वो इस जीवन में भी सुखी रहेगा और बाद में भगवान के पास जाएगा। प्रणाम एक बहुत बड़ा गुण है, हम लोग सुने हैं और पढ़े भी हैं। महाभारत के प्रारंभिक दृश्य पर कि जब कौरव और पांडवों की सेना खड़ी हुई आमने सामने लड़ने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि महाराज आपके पितामह यहाँ आए हैं और
गुरु आए हैं, द्रोणाचार्य जी, मामा शल्य है, कृपाचार्य हैं, आप इन गुरुजनों को प्रणाम कर लीजिए, प्रणाम करने के बाद तब युद्ध कीजिए। तुम्हारा जो युधिष्ठिर भगवान की बात मान करके, उनका अनुशासन मानकर रथ से उतर करके गए, भीष्म पितामह को प्रणाम किए, जबकि भीष्म पितामह विपक्ष से लड़ रहे थे, कौरवों के पक्ष से खड़े हुए थे लड़ने के, लेकिन जब महाराज युधिष्ठिर ने प्रणाम किया तो भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया सबके सामने, कोई छिपा करके नहीं, बेटा तुम्हारी विजय हो, विजयी भव। और दुर्योधन भी सुन रहा था इसको, और सब लोग सुन रहे थे। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, पितामह आप सेनापति हैं कौरवों के, आपके रहते हमारी विजय कैसे हो सकती। तो भीष्म पितामह अपने मरने का उपाय सभा में ही बताने लगे, सभा में बताने लगे कि मेरा नियम है कि कोई स्त्री मेरे सामने आ जाए तो मैं हथियार नहीं उठाता हूँ, उस दशा में कोई व्यक्ति मेरा मुझे धराशायी कर सकता है, मार सकता है। तो शिखंडी जो इसी जन्म में स्त्री था, पहले अंबर नाम की स्त्री था और बाद में पुरुष हो गया था, तो एक कथा फैली थी कि शिखंडी स्त्री है, इस समय पुरुष शरीर में हो गया था लेकिन वास्तव में वह स्त्री था, काशी नरेश की लड़की, भीष्म पितामह से बदला लेना चाहता था, चाहती थी लड़की। तो अर्जुन ने शिखंडी को खड़ा किया भीष्म पितामह के सामने। शिखंडी भी महारथी थे लेकिन इसी जीवन में वो स्त्री रहे थे, अतः जब भीष्म पितामह देखे शिखंडी को तो लड़ना छोड़ दिए। एक प्रकार से निमंत्रण दे रहे थे कि इस समय मुझे कोई धराशायी कर सकता है, तो अर्जुन उन्हें बाणों से गिरा दिए, धराशायी कर दिए। तो ये आशीर्वाद सभा के बीच में दे रहे थे। पहले के लोग इतना महान और निष्कपट थे, लड़ रहे हैं उस पक्ष से लेकिन फिर भी जो पांडवों के प्रति व्यवहार है, युधिष्ठिर आकर प्रणाम किए तो प्रणाम आशीर्वाद देना है, फिर कृपा द्रोणाचार्य को प्रणाम किए तो वो भी कहे बेटा तुम्हारी विजय है, फिर प्रश्न करते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी आप जैसे महारथी के रहते हुए। तो उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति यदि मुझसे ये कह दे कि मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मर गया, तो फिर मैं युद्ध नहीं कर पाऊँगा, मेरी इतनी ममता है अपने पुत्र में, तो उस समय कोई वीर मेरा वध कर सकता। तो ये युद्ध कर रहे थे, कोई उपाय नहीं था इनको गिराने का, तो भगवान ने एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया, मरवा दिया कि किसी तरह से, या युद्ध में मारा गया जो भी हो। भगवान श्री कृष्ण कहते थे युधिष्ठिर महाराज से, मैं सब जगह हल्ला किए कि अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा हत, लेकिन भी द्रोणाचार्य मान नहीं रहे थे, सब लोग कहे, सब सुन रहे थे, वो ये चाहते थे कि अगर युधिष्ठिर के मुख से निकल जाए कि अश्वत्थामा हतो तो वो मान जाते। तो अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया था, तो भगवान ने भीष्म और युधिष्ठिर से कहा कि महाराज आप बोलिए अश्वत्थामा हतो। तो महाराज युधिष्ठिर बड़े सत्यवादी थे, इतना सत्यवादी थे कि उनके रथ का चक्का पृथ्वी से ऊपर चलता था, कोई जर्किंग का सवाल ही नहीं था, जैसे बाइवान हवा में चलता वैसे वो चलता था, थोड़ा ऊपर धरती से। तो वे बोल नहीं रहे थे लेकिन भगवान ने कहा ठीक है आपको जानकारी नहीं है तो आप कहिए नरो वा कुंजरो, हमें पता नहीं है नर या कुंजर मारा गया लेकिन अश्वत्थामा मारा गया। तो बोलते थे अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, वे बोल रहे थे। तो ऐसा महानुभावगण कहा करते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज बोल रहे थे अश्वत्थामा हतो, और जब वो बोलते थे नरो वा कुंजरो वा, त
तब तक भगवान अपना शंख जोर से फूंक देते थे, तो उसको द्रोणाचार्य नहीं सुन पाते थे। इतना ही सुने कि अश्वत्थामा हो तो महाराज युधिष्ठिर के मुख से, परंतु फिर भी यह झूठ था। महाराज युधिष्ठिर जानते थे कि अश्वत्थामा नहीं मारा गया है, फिर भी वे बोल रहे थे। तो ऐसा लोग कहते हैं कि एक बार झूठ बोलने के कारण रथ नीचे चलने लगा उनका धरती पर। जो भी हो, कुछ है वैष्णवों को इसमें ऑब्जेक्शन होता है, ये भगवान की आज्ञा का पालन किए तो उनका रथ कैसे धरती पर चलने लगेगा। जब बड़े बड़े महानुभाव ऐसा कहते हैं तो मानना पड़ेगा। यह भी भगवान की एक लीला ही है, तो भगवान के परम भक्त हैं, उनके लिए कोई इस तरह की बात नहीं रथ नीचे चले चाहे ऊपर चले, स्वयं भगवान का रथ ही धरती पर चलता था, तो अब कोई क्या कहेगा। तो अर्जुन जिस पर चढ़े थे और भगवान सारथी थे, वो रथ धरती पर चलता था और युधिष्ठिर महाराज करना है, और उस दिन से वो भी धरती पर आ गए। तो भगवान के कहने से वो झूठ बोले, तो जब अश्वत्थामा हता द्रोणाचार्य ने सुना तो वो धनुष बाण रख करके उदास होकर बैठ गए और धृष्टद्युम्न उसी समय जाकर उनका गला काट दिए। उनका वध करने के लिए ही उत्पन्न हुए थे द्रौपदी जी के भाई, जो पांडवों के 18 दिन सेनापति रहे, उन्होंने काटा। इसीलिए इसका बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न का भी वध कर दिया अंतिम दिन। ये सब कथाएं हैं शास्त्रों में। मेरा कहने का आशय ये था कि प्रणाम करने से महाभारत का परिणाम बदल गया। शायद प्रणाम नहीं किया गया होता तो लोग कितना कुपित होकर के युद्ध किए होते और महाराज युधिष्ठिर को शाप दिए होते। अतः मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि हम जीवन में जी रहे हैं, हम लोगों के जीवन में अनेक संकट आते हैं, दिक्कतें आती हैं, कई प्रकार के फाइनेंशियल संकट, शारीरिक संकट, राजनीतिक संकट, प्राकृतिक संकट, लेकिन यदि हम प्रणाम करने की आदत डालेंगे और सबका आशीर्वाद लेते रहेंगे, जैसे हनुमान जी का, भगवान शिव का, माँ दुर्गा का, भगवान कृष्ण का, श्री विष्णु भगवान का, शंकर, इनका यदि आशीर्वाद मिलता रहा और भक्तों का आशीर्वाद हो, साधुओं का आशीर्वाद, तो ये सब संकट टलते रहते हैं और जिंदगी बड़े मज़े में पार होती है आशीर्वाद से। इसलिए प्रणाम की आदत होनी चाहिए, और फिर भगवान को प्रणाम की आदत रहे तब तो कहना ही क्या। शिरो हृषि के स्पदा विबंधन कामंत दास्य नतुकाम कामया यथोत्तमश्लोक जनाश्रया रति। और कोई भी जीवन में भोग भोगते थे, कामम काम करते भोग, तो दास्य के लिए भोगते थे, भगवान की दासता के भाव में, जब कोई चंदन लगा रहे हैं या माला पहन रहे हैं तो इसलिए पहनते थे कि भगवान का प्रसाद है, मैं इस प्रसाद को धारण करूंगा। कोई भी इंद्रिय सुख वो भगवान की दासता में धारण करते थे, जिससे भगवान के भक्तों में रहने वाली जो रति है, प्रेम है, वह हमें मिल जाए, इस भावना से भोग भोगते थे, इंद्रिय तृप्ति से नहीं। कामम तु दास्य न तु काम काम्यया, केवल इंद्रियों को तृप्त करने के लिए भोग नहीं भोगते थे। कोई चीज़ खाना हुआ या सुनना हुआ, धारण करना हुआ, माला, वस्त्र, जो कुछ भी है, चंदन, वो भगवान की दासता के भाव में कि हमारे प्रभु का एक प्रसाद है, मैं उनका दास हूँ, वो धारण करते थे, जिससे भगवान के प्रेमियों के हृदय में जो प्रेम है भगवान का, वैसा प्रेम हम में भी आ जाए, इसी के लिए भगवान के प्रसाद को धारण करते थे। कामम तु दासे न तु काम कामे यथोत्तमश्लोक जनाश्रया रति। और इसके साथ ही अब जो मैं प्रश्न किया था कि प्रजा का शासन कैसे चलता था, इसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी दे रहे थे। एवं सदा कर्म कलापमात्मनः परे धिजज्ञे भगवत्यधोक्षजे सर्वात्म भावं विदधन महिमिमां तन्निष्ठ विप्राभिहित ससासः। एवं इस प्रकार सदा कर्म कलापम आत्मनः परे धिजज्ञे भगवत्यधोक्षजे
सदा ध्यान दीजिएगा सब तो इस तरह से महाराज अम्बरीश सब समय सदा अपने कर्म कलाप को, कलाप माने समूह को, अपने क्रियाओं को, अपने कर्मों को अर्पित कर रखते थे, कनेक्टेड रखते थे किससे, परे अधिजज्ञ भगवती अधोक्षज, जो परम पुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं, शाश्वत पुरुष हैं और जो अधिजज्ञ हैं, जो समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, यज्ञ पुरुष हैं, यज्ञ के स्वामी हैं और जो छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं भगवान श्री कृष्ण, और अधोक्षज जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं, इंद्रियातीत हैं, ऐसे प्रभु में ही लगाए रखते थे। सर्वात्मभावम विदधन, सर्वात्मभावम विदधन का अर्थ है सारा भाव श्री कृष्ण में रखते थे। यही जानते थे कि श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, उनमें इस तरह का भाव रखते हुए इस पृथ्वी का शासन किए। कैसे, तन्निष्ठ विप्रा विहित। भगवान श्री कृष्ण के जितने भी बड़े बड़े ब्राह्मण भक्त हैं जैसे वशिष्ठ जी, असित, गौतम आदि, इनके द्वारा अभिहित, इनके अनुशासन में रहकर जैसे कहते थे उस प्रकार से इनके बताए हुए वैदिक नियमों के अनुसार प्रजा का पालन कर रहे थे। और प्रजा का पालन भी डायरेक्ट नहीं कर पाते थे, भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, अतः अपने प्रतिनिधियों को लगाए थे। इनके जो प्रतिनिधि थे वो पूर्ण तत्परता से प्रजा का पालन कर रहे थे, और महाराज अम्बरीश तो केवल भगवान की भक्ति में लगे थे। वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे लेकिन इतना इनका प्रभाव था और अपने प्रतिनिधियों पर इतना प्रभाव था और इतने ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ थे कि वे सब प्रजा का पालन कर रहे थे ठीक से। और इसके साथ भगवान की पूजा किए, जो राजा का कर्तव्य होता है। अनेक फेस्टिवल किए अपने राज्य में, जिसको यज्ञ कहा जाता था, जिसमें लाखों लाख जनता भोजन करती थी, ब्राह्मणों को, गरीबों को बहुत दान दिया जाता था। ऐसे उस समय इतने गरीब लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी यज्ञों में लाखों लोगों के लिए भोजन बनता था। हमने पढ़ा है पद्म पुराण में महाराज जजाति के यज्ञ का वर्णन। जनता जब आती थी यज्ञ में तो यज्ञ मंडप के पास पहाड़ जैसा पहले देखते थे, ये क्या है, तो बाद में आने पर पता चलता था ये भात है जो तत्काल बना करके रखा हुआ है, भात। और वहाँ पर दाल रखने के लिए बड़े बड़े कुंड बने हुए थे, बड़े बड़े सरोवर जैसे दाल, और कड़ाही कितना बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा, जिसमें सब्जियाँ भरी रहती थी और हलवा खास करके पड़ा रहता था। और कोई भी जनता आती थी उसके भोजन की पूरी व्यवस्था थी। जिस यज्ञ में दक्षिणा न, अर्थात भोजन न कराया जाए, वो यज्ञ बेकार है वास्तव में। क्या कोई यज्ञ में करे, यज्ञ का मतलब है भगवान की कीर्ति गाना, कथा सुनना, नाचना, खाना पीना, यही यज्ञ का मतलब। यज्ञ का मतलब ये नहीं केवल आ करके देखे और इसके बाद कोई भोजन नहीं, कुछ नहीं, रुखा सुखा यज्ञ, इस प्रकार का यज्ञ बेकार होता है। तो ईजे स्वमेधई अधिजज्ञमीश्वरम, यज्ञों के ईश्वर, समस्त विश्व का पालन करने वाले भगवान विष्णु की अश्वमेध यज्ञों से पूजा किए। आपने भागवत में एक अश्वमेध यज्ञ का वर्णन पढ़ा होगा, थोड़ा सा वर्णन, महाभारत में ज़्यादा है, महाराज युधिष्ठिर ने किया था बाद में, युद्ध में विजय पाने के बाद। और युद्ध में विजय पाने से पहले वे राजसूय यज्ञ किए थे। कितना प्रसाद चलता था, कितने लोग आते थे, और मुख्य विषय क्या था यज्ञ का, भगवान कृष्ण की कथा। और सबसे श्रेष्ठ वक्ता थे श्री नारद जी। उस यज्ञ में श्री नारद जी थे, सुखदेव गोस्वामी थे और बड़े बड़े महानुभाव थे। भगवान का कीर्तन किया जाता था, गुण गाया जाता था, और यहाँ तक कि उस यज्ञ में आने वाले अतिथियों के, ब्राह्मण खास करके, ब्राह्मणों की
सेवा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इंचार्ज बने हुए थे। उनका चरण धोना, उनको ठहराना गेस्ट हाउस में और खाने पीने आदि सारी व्यवस्था भगवान कृष्ण के जिम्मे थी। चरण धोने की ऐसा कहते हैं, चरण धोने की ब्राह्मणों की और जूठा पत्तल उठाने की जिम्मेवारी भगवान ने लिया था उस जग की। तो ईजे सुमेध है महाराज अम्बरीश अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना किए। यज्ञ का विशेषण बता रहे हैं, महाविभूत्या उपचितांग दक्षिण ही। अच्छा, महाविभूत्या, महाराज अम्बरीश के पास महाविभूति थी, महाधन, इसलिए उस धन से उपचितांग दक्षिण ही यज्ञ के सर्वांग पूरे किए गए थे। यज्ञ में जो जो भी अंग होते हैं वे सब पूरे किए गए थे, और चूंकि महाविभूति थी इसलिए दक्षिणा भी परिपूर्ण रूप से दी गई ब्राह्मणों को, या जो भी देने के योग्य थे उनको दक्षिणा पूरी पूरी दी गई, उपचितांग दक्षिणा। ततः वशिष्ठा सित गौतमाधीर धनवन अभिश्रुत मसल सरस्वती। और यज्ञ बहुत किए गए, अश्वमेध है बहुवचन में है, तो भिन्न भिन्न प्रकार से यज्ञ के भिन्न भिन्न अंगों को भिन्न भिन्न ऋषियों ने संपादित किया। जैसे किसी किसी अंग को वशिष्ठ जी पूरा कर रहे थे, किसी को असित, किसी को गौतम आदि, ऐसे अनेक ऋषि थे। और यज्ञ अश्वमेध यज्ञ, ये अश्वमेध यज्ञ कहाँ किए गए मुख्य रूप से, जहाँ सरस्वती नदी पूरब की तरफ बहती है, और वो भी धन प्रदेश में जहाँ जल की कमी रहती है, मतलब मध्य प्रदेश में चाहे राजस्थान में यज्ञ किए। राजस्थान, आखिर राजस्थान है तो राजा लोग वहाँ रहे हैं ना। राजस्थान का मतलब ही हुआ कि राजाओं का स्थान, और वहाँ पानी की कमी भी रहती है, ऐसे उसको मरु कहते हैं। और धन प्रदेश ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है जहाँ पानी है लेकिन कम है, कम जहाँ पानी होता है उसको धन कहते हैं, और जहाँ बालू ही बालू भरा रहता है वो उसको मरु कहते हैं, मरुभूमि। इन्हीं दोनों प्रदेशों में से चाहे दोनों में महाराज अम्बरीश ने यज्ञ किया। खास करके ऐसा माना जाता है कि गुजरात के पूरब भाग में उन्होंने यज्ञ किया होगा, जहाँ सरस्वती जी बहती हैं। आज सरस्वती में पानी नहीं है, लेकिन फिर भी वो नदी तो मानी ही जाती है। तो असल सरस्वती, सरस्वती के प्रवाह की अर्थात सरस्वती के तट पर किए, जहाँ सरस्वती जी समुद्र के अभिमुख बहती है। इस तरह से यज्ञ किए, और यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के भी नाम है। अब यज्ञ की विशेषता सुनिए, जस्य कृत सुग्रीवाणी सदस्य ऋत्विजो जना तुल्य रूपाश्चार निमिषा व्यदृश्यंत सुभाष। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, जस्य क्रतुसु, महाराज अम्बरीश के यज्ञों में जो इस देश की जनता थी पृथ्वी की, वो देवताओं के समान लगती थी। यज्ञ में जब बैठते थे तो ये भेद नहीं मालूम पड़ता था कि कौन देवता है और कौन मनुष्य है। इतने सुंदर मनुष्य थे उस समय महाराज अम्बरीश के राज्य में। तो सदस्य यज्ञ में आने वाले लोग और यज्ञ कराने वाले ऋत्विज, ये जना तुल्य रूपा ग्रीवाणी सह तुल्य रूपा, देवताओं के समान बिल्कुल लगते थे। तो इस पर प्रश्न हो सकता है कि देवताओं की तो पलक नहीं गिरती है, मनुष्यों की तो पलक गिरती रहती होगी, तो अंतर तो जान पड़ता होगा कि ये मनुष्य हैं वो देवता हैं। तो कहते च और निमिषा ऋत्विज, या यज्ञ में भाग लेने वाले सभी लोग, इनका निमिष बंद नहीं होता था, वो भी इनकी भी पलक नहीं गिरती थी। उस यज्ञ में इतना सुंदर दृश्य हो रहा था, भगवान की पूजा कथा, और इस दृश्य को देखने में जनता की पलक गिरती ही नहीं थी,
सब आश्चर्यचकित देखते रहते थे, इसीलिए देवताओं के समान ये भी लगते थे। सुभाष सर बहुत सुंदर कपड़ा पहने थे। जनता ऋत्विज या जनता सभासद जो भी थे सब बड़े सुंदर सुंदर कपड़ा पहनते थे। यज्ञ में वैसे ही कपड़ा सुंदर पहन कर जाना चाहिए कि अभी संदेश है, ऐसा नहीं जहाँ तहाँ जैसे तैसे फैक्ट्री में पहने हुए और आ जाएं। यज्ञ में गंदा कपड़ा पहन कर नहीं जाना चाहिए, शुद्ध कपड़ा पहन कर जाना चाहिए और ऐसा लगे कि देवता लोग आए हुए हैं। तो आज के युग में तो केवल धोती पहन ले तो उसको देवता मान लिया जाएगा, देवता लोग सब पैंट पहन कर नहीं घूमते हैं जहाँ तहाँ, है ना। देवता लोग ठीक है वैदिक ग्रंथ वैदिक वस्त्र पहनते हैं, धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, अगर ऊपर से तिलक भी हो, कंठी हो, माला झोली हो, तब तो कोई संदेह नहीं कि ये देवता है, ये मान लेना चाहिए। तो इस तरह से सुभाष महाराज अम्बरीश के यज्ञ में देवता सब और जनता और ऋत्विज ये सब अनिमिष थे। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि आश्चर्यपूर्ण दृश्य को देखने में सबकी पलकें बंद हो जाती थी, एक टक देखना इसको कहते हैं। ऋषियों को चाहे यज्ञ के दृश्यों को, भगवान के पूजा को, सबको देखना। तो देवता बैठे थे और मनुष्य बैठे थे तुल्य रूपा व्यदृश्यंत, दोनों एक समान दिखाई पड़ते थे। देवता में और मनुष्य में बहुत अंतर है, लेकिन महाराज अम्बरीश के राज्य में जनता इतनी सुखी थी ना, सुंदर लगती थी और सुंदर वस्त्र और अपलक देखना, तो इसलिए देवताओं से वे अभिन्न देख पड़ते थे, अद्भुत छवि थी। स्वर्गो न पा प्रार्थितो जस्य मनुजय रमर प्रिय है अमर प्रियम प्रिय श्रीवद भी रूप गायद भी उत्तम श्लोक चेष्टितम। और श्रील सुखदेव गोस्वामी एक दूसरा वर्णन कर रहे हैं कि महाराज अम्बरीश के मनुष्यों द्वारा जस्य मनुजय मतलब जदीय मनुजय, महाराज अम्बरीश के राज्य में जो भी जनता थी मनुष्य थे इतने सुखी थे, इतने आनंद में थे कि स्वर्गो न प्रार्थित जस्य मनुजय, जिनके मनुष्यों द्वारा स्वर्ग की कभी कामना नहीं की गई, वे स्वर्ग नहीं चाहते थे, तो फिर महाराज अम्बरीश के लिए तो कहना ही क्या है, तस्य तु का वार्ता। जब अम्बरीश के राज्य में रहने वाली कोई भी जनता स्वर्ग नहीं चाहती थी, वो स्वर्गवासियों से बहुत अधिक सुखी थी, तो फिर महाराज अम्बरीश के लिए क्या कहना है। किस कारण से जनता सुखी थी, सारा जन समुदाय आनंद में विभोर था कि स्वर्ग भी उन्हें तुच्छ लग रहा था, स्वर्ग की कामना किसी जनता को नहीं हुई, किसी मनुष्य को नहीं हुई, क्यों। श्रृणवद भी उपगायद भी उत्तम श्लोक चेष्टितम, भगवान उत्तम श्लोक के जिनका यश परम पावन है उत्तम है, ऐसे प्रभु के श्री कृष्ण के लीलाओं का जनता गान करती रहती थी और निरंतर सुनती रहती थी। बड़े बड़े वैष्णव महानुभाव भगवान की लीलाओं को कहते थे, गाते थे, तो उसको उप श्रृणवद भी रूप गायद भी उत्तम श्लोक चेष्टित। जनता का मुख्य काम क्या रहता था महाराज अम्बरीश के राज्य में, भगवान उत्तम श्लोक की लीलाओं को, चरित को, नाम गुण आदि को सुनना। प्रायः लोग वर्णन करते ही रहते थे, गाते ही रहते थे, तो उसको सुनती थी और कभी कभी उपगायद भी और गान में लगी रहती थी। भगवान की लीलाओं को जनता गाती थी, कथाएं पढ़ती थी, जप करती थी, महामंत्र जप करती थी जनता, यही आनंद था। सारा मानव समुदाय भगवान के कीर्तन में विभोर था, श्रवण में विभोर था। श्रीवद भी उत्तम श्लोक चेष्टितम, श्री कृष्ण की चेष्टाएं हैं, जैसे गिरिराज धारण करना, कालिए के फण पर नृत्य करना, रास विहार करना, या अर्जुन का रथ संचालन करना, गोचारण करना,
ये सब भगवान की चेष्टाएँ हैं। इन उत्तम श्लोक चेष्टितम भगवान की लीलाओं को जनता हमेशा सुनती रहती थी, इससे अद्भुत आनंद प्राप्त होता था। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णा मृतास्वादनम, सबसे बड़ा आनंद भगवान के कीर्तन में है, श्रवण में है, इसको जनता सुनती रहती थी और गाती रहती थी, वर्णन करती रहती थी। इसलिए स्वर्गो न प्रार्थित जस्य मनुजय अमर प्रिय, जो स्वर्ग अमर प्रिय देवताओं को कितना प्रिय है, वे उसे छोड़ करके इधर आना नहीं चाहते हैं, स्वर्ग में रमे रहते हैं बड़े सुख में। पर ऐसे देवताओं को जो स्वर्ग प्रिय है, उस स्वर्ग पर कभी मन से भी विचार नहीं करती थी जनता महाराज अम्बरीश के राज्य में। फिर अम्बरीश महाराज कितने महान थे, कितने भक्त थे, उनके राज्य की जनता भगवान के श्रवण कीर्तन में लगी रहती थी। श्रीवद भी उपगायद भी उत्तम श्लोक चेष्टितम, मनुजय ही का विशेषण है, जिनके राज्य में सारी जनता भगवान के कीर्तन कथा आदि के श्रवण कीर्तन में लगी रहती थी। अतः किसी को भी कभी कामना नहीं हुई कि मैं स्वर्ग देखता है, स्वर्ग कैसा होता है, जबकि देवता डायरेक्ट आते थे उस समय। इस समय भी लोगों को स्वर्ग की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि इस समय ज्ञान नहीं है, स्वर्ग का जानकारी नहीं है। अगर किसी स्थान की कुछ जानकारी है और उनके दृष्टि में वो सुखी स्थान है, तो वहाँ जाने की कितनी इच्छा रहती है, वीसा बनाने के लिए धक्का और क्यू लगा रहता, जबकि वे कुत्ते की तरह रिजेक्ट करते हैं, नहीं नहीं नहीं, फिर भी एप्लीकेशन ले ले करके खड़े रहते। नरक में जाने की इच्छा है, स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं, क्योंकि स्वर्ग का पता ही नहीं है। वहाँ से लोग आते तब न जानकारी रहती। महाराज अम्बरीश के समय में देवता लोग आते थे विमान लेकर के, यज्ञ में बैठते थे। अरे कब तक देवताओं का आना जाना जारी रहा? महाराज परीक्षित तक। महाराज परीक्षित के जाने के बाद अब देवता लोग नहीं आते हैं। नहीं आते हैं तो इधर के मूर्ख मनुष्य क्या कहते हैं, देवता है ही नहीं, ये कल्पना है, स्वर्ग भी नहीं है, ये सब कल्पना है। सच्चा क्या है? अमेरिका, यूके, यही सब सच्चा रह गए, क्योंकि वहाँ के सब लोफर लोग आते हैं, इधर देखते हैं और वो लोलू इंद्रिय तृप्ति के लिए घूमते हैं। कहीं भी संसार में वो किस लिए घूमते हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए। उनको अपने यहाँ सुख नहीं है तो वो लोग घूमते हैं, फिर उनके यहाँ ये लोग जाते हैं ऐसे, इसलिए कि मानसिकता अत्यंत लो पॉइंट पर है, धरातल पर है, भोगों के भोग भी अच्छे नहीं मिल रहे हैं। और जो सबसे बड़ा सुख मिलना चाहिए मनुष्य को, वो सुलभ है, परंतु मूर्खता के कारण उसको ले नहीं रहे। जैसे किसी आदमी के कंठ में मणि हो और वो मणि को बाहर खोजा करे, इसको जैसे विस्मृत कंठ मणि न्याय कहते हैं, कंठ में वो मणि है, बंधी हुई है, लेकिन व्यक्ति को पता नहीं है, वो खोजेगा अलमीरा में, घर में, इधर उधर, किसी को मोबाइल फोन लगाएगा, हमारा मणि खो गया है, हो गया। और कोई व्यक्ति आवे कहे, अरे तो आपके कंठ में है, तो कहे ओ यही है। अरे सबसे बड़ा सुख श्रीमद् भागवतम में है। श्रीवद भी जैसे कहा गया है, श्रीवद भी उपगायद भी, यदि मनुष्य चाहे कि हम स्वर्ग से भी अधिक सुख लूटे, यहाँ तक कि मुक्ति से भी अधिक सुख, तो यहीं पर रखा हुआ है भगवान के श्रवण में और उनके उपगायन में, कीर्तन में, यही सबसे बड़ा सुख है। और कहीं कोई सुख वास्तव में नहीं है। सुख है भगवान के लीलाओं के सुनने में और बोलने में, गाने में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बहुत ही सुंदर शब्द का प्रयोग सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, जस मनुजय, जिनके मनुष्यों द्वारा, यह कहीं भी लागू कर सकते हैं। मान लीजिए इस समय एक राज्य है, भारतवर्ष राज्य है, या अनेक स्टेट हैं, जैसे यूपी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तो अगर वहाँ का कोई चीफ मिनिस्टर है तो कहा जाएगा कि इस राज्य की राज्य जनता इसकी है, इसके मनुष्य,
कि कहा जाएगा नहीं सुन इसके मनुष्य जैसे अंबरीश के मनुष्य स्वर्ग की कामना नहीं करते थे, वे इतना अधिक सुखी थे। तो इस मंत्री के इतने लोग हैं, इस मंत्री के इतने लोग हैं, इसी तरह से इस गुरु के शिष्य इसको ऐसे लागू किया जा सकता है जिसके शिष्य स्वर्ग की कामना नहीं करते, किस कारण से किस काम में लगे रहते हैं तो काम में लगे रहते। श्रीणवद भी उपगायद भी उत्तम श्लोक चेष्टित, वे भगवान उत्तम श्लोक की लीलाओं को सुनने में गाने में लगे रहते इसलिए परम तुष्ट हैं, सुखी हैं। अन्यथा यदि किसी राज्य की जनता है उसको भगवान विष्णु के श्रवण कीर्तन का अवसर नहीं मिलेगा तो भोगों के लिए ललायित होगी, वो गिरेगी, तबाह रहेगी, टेंशन में रहेगी। यही होता है संसार में देखा गया, जनता क्यों दुखी है। स्वर्ग की बात छोड़िए, आज आदमी को खाने के लिए नहीं मिलता है वो दुखी रहती है और सब दुखी रहती है। और इसके कारण क्या है कि भगवान का कीर्तन नहीं होता है और श्रवण नहीं होता है, यज्ञ नहीं हो रहा है, नहीं तो यज्ञ से यथेष्ट वर्षा होती है, जनता सुखी रहती है, भगवान ने गीता में कहा है। तो महाराज अम्बरीश के राज्य में जनता इसी में इंगेज थी, जैसे आज के युग में आज के शासन में जनता इंगेज्ड है, कहाँ इंगेज्ड है, ऐसा नहीं है कि नहीं इंगेज्ड है, सब खाली है, पहले से ज़्यादा बिजी हो गए हैं, है ना, पहले से ज़्यादा जनता बिजी है, पर कहाँ बिजी है, भोगों के लिए बिजी है। दिन भर काम करके आइए, शाम को थके माने तब तो टीवी देख रहे हैं, अभी दुनिया भर का न्यूज जान करके क्या करेंगे, दिमाग में अपना कचरा भर करके कैसे सुख का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, ये मर रहे हो, तुम भगवान के दास हो, भगवान के बारे में कुछ सुन ही नहीं रहे हो, भगवान के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हो, इन सब दृश्यों को देख करके सुख कैसे प्राप्त होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे किसी पिंजड़े में कोई पक्षी मर रहा है भोजन के बिना, और कोई मूर्ख आदमी पिंजड़े को सजा रहा है, उसको पालिश दे रहा है, कई तरह से सजा रहा है, तो फिर भी पक्षी तो चे चे करके रोता रहेगा, उसे सुख नहीं मिलेगा। हम लोग भगवान के अंश हैं, हम लोग स्पिरिट हैं, भगवान शुद्ध चैतन्य घन होल स्पिरिट है, उनसे संपर्क के बिना हम कभी सुखी नहीं हो सकते। उनसे संपर्क होता कैसे है, उनके विषय में सुनने से और उनके विषय में बोलने से, इसी को शास्त्रों में श्रवण कीर्तन कहा गया है, बहुत जोर दिया गया है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रवण कीर्तन जले कर सेचन, भक्ति लता का पोषण होता है, सेचन होता है श्रवण कीर्तन से, तब यह भक्ति लता प्रेम का फल फलती है और उस प्रेम फल को माली भोगता है, खाता है, तो केवल भगवान के श्रवण में और कीर्तन में यही उनका सुख था। जैसे भगवान गीता में कहते हैं मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, ये है भक्तों का सुख। वो कहते रहते हैं, सुनते रहते, कथयंत माम नित्यम, ये भगवान की ही बड़ाई करते हैं, भगवान की लीलाएं, भगवान के रूप गुण आदि का बखान करते रहते हैं और सुनते रहते हैं, तो इसको परस्परम भगवान का बोधयंत परस्परम, कभी सुनते हैं कभी बोलते हैं, बोधयंत परस्पर परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, नित्य ही मेरी बड़ाई करते रहते हैं, मेरी स्तुति करते रहते हैं, मेरा प्रचार करते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, यही उनका सुख है, तोष है, और यही उनका काम है जिसमें वो रमते रहते हैं, यही उनको अच्छा लगता है और दूसरे काम में नहीं रमते हैं। मेरे कथा कीर्तन के श्रवण कीर्तन में रमे रहते हैं और यही इसी में उनको बहुत बड़ा सुख मिलता है। तुष्यन्ति तो सुखम प्राप्नुवन्ति, इसी में उनको सुख मिलता है, अतः श्रवण कीर्तन में ही वे रमे रहते हैं, जबकि दुनिया अन्य कामों में रमी रहती है जिसमें केवल दुख ही दुख है। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित महाराज अम्बरीश के राज्य में जनता सुखी थी। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं संवर्धयंती यत कामा स्वराज्य परिभाविता दुर्लभा नापि सिद्धा न मुकुंदन हृदय पश्यत,
भगवान का निरंतर श्रवण कीर्तन करने से महाराज अम्बरीश के राज्य में जनता हमेशा मुकुंदन हृदय पश्यति, उनके हृदय में मुक्ति के दाता या प्रेम लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण नित्य उदित रहते थे। भगवान हृदय में आते कैसे हैं? कान के रास्ते से आते हैं, ये भागवत में कहा गया है। प्रविष्ट कर्ण रंध्रण स्वानम भाव सरोरु धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य जथा सरब। जब व्यक्ति सुनता है भगवान की लीला को तो कान के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं। मुकुंदम हृदय परस्पश्यत, और मुकुंद इतना सुंदर है, इतना रसिक है, आनंदमय है, उनको कोई हृदय में देखता है तो उस समय उसको इंद्र पद की बात सुन करके भी हर्षित नहीं होता है, वो मिलने की संभावना होने पर भी हर्ष नहीं होता है। स्वराज्य परिभाविता, जो मुक्ति का, जो स्वर्ग का सुख है, स्वराज्य परिभाविता, जो वैकुंठ सुख से, मुक्ति के सुख से भी परिभावित है, वेष्टित है, ऐसे सुख भी उस व्यक्ति को न संवर्धयन्ति, हर्षित नहीं कर पाते हैं जो मुकुंदम हृदय पश्यत, जो लोग मुकुंद को हृदय में देखते हैं। और मुकुंद को हृदय में क्यों देख लेते हैं? क्योंकि श्रृणवद भी रूप गायत भी उत्तम श्लोक चेष्टितम, नित्य भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण उनके हृदय में उदित रहते हैं और देखते रहते हैं, उनकी विविध लीलाएँ उगी रहती हैं हृदय में, अतः उन्हें किसी चीज़ की कामना नहीं होती। स इत्थम भक्ति योगेन तपोयुक्तेन पार्थिव स्वधर्मेण हरिम प्रीणन सर्वान कामन शनैर जह। इस प्रकार तपस्या युक्त भक्ति योग में महाराज अम्बरीश लगे थे, और इसके साथ ही स्वधर्मेण वे प्रजा पालन रूपी अपना धर्म भी निर्वाह करते थे। तो इस तरह धीरे धीरे उनके जीवन की सारी कामनाएं समाप्त हो गई, सारी आसक्तियां समाप्त हो गए। यहाँ तक कि गृहेशु दारेशु सुतेषु बंधुषु द्वीपोत्तमस्यंदनबाजपत्तिषु अक्षय रत्ना भरणांबरादिषु अनंत कोशेषु अकरोत् असन मतिम। महाराज अम्बरीश की क्या चेतना थी, वे अपने घरों में, घर में, पत्नी में, पुत्रों में, भाई बंधुओं में, हाथियों में, रथों में, घोड़ों में और पैदल सेना में, चतुरंगड़ी सेना में, अक्षय रत्न से भरे, अक्षय रत्न से बने आभरण आदि में और कपड़े आदि में, अनंत कोशेश, उनके पास अनंत धन था, लेकिन इन सब में मैं अकरोत असत मतिम, इनमें वे असत मति किए थे, ये सब है ही नहीं, ऐसी उनकी बुद्धि थी, अर्थात अति तुच्छ बुद्धि थी, असत मति। जानते थे कि स्त्री कुछ नहीं, और उनमें मन ही नहीं लगता था, उनका मन बिल्कुल भगवान में आसक्त था, इनका स्मरण ही नहीं होता था, कभी स्मरण भी हो जाए तो हीन भावना होती थी कि अति तुच्छ हैं, ये है ही नहीं, आसक्ति होने का तो प्रश्न ही नहीं था। तो स्त्री में, पुत्र में और बंधु बांधव में, घर में कहीं कोई आसक्ति नहीं। हमने कविता में पढ़ा था कि कौड़ी भी, कौड़ी की झोंपड़ी छोड़ी नहीं है जाती, किंतु नजीर या मौत सब है छुड़ाती, ऐसा है। आज के युग में देखा जाता है कौड़ी की झोंपड़ी छोड़ने में भी आदमी असमर्थ है, त्यागी नहीं है, हो ही नहीं सकता। और ये राजा गृहेशु दारेशु सुतेशु बंधुषु, अपने स्वजनों में जो राजकीय थे, इनके पुत्र रानी सब में असतमति करते थे, किए थे, ये है ही नहीं, ये पहले कहा गया स्वप्न जैसा तुच्छ है, है ही नहीं, या असत जो नहीं है तुच्छ है। जैसे रास्ते में पड़े हुए तिनका को, खर पात को आदमी कभी गिनता चलता है क्या कि ये कितने हैं या हैं, कोई याद भी नहीं रहता। असत मति का ये अर्थ हुआ कि इनको कुछ नहीं समझते थे, ये जीवन में कोई सुख नहीं दे सकते हैं, वास्तविक परमार्थ विषय भगवान श्री कृष्ण हैं, विष्णु हैं।
तो एक प्रश्न होता है कि जब इस तरह से भगवान की भक्ति में लगे थे और कुछ का ध्यान ही नहीं रहता था, तो कैसे रक्षा करते थे शत्रुओं से अपनी? आखिर एक राजा के अनेक शत्रु होते हैं, विपक्ष होता है और अपने जन होते हैं, तो उनकी रक्षा कैसे होती थी और शत्रुओं को कैसे परास्त करते थे? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्मा अदाद हरिश्चक्रम प्रत्यनिक भयापहम एकांत भक्ति भावे न प्रीतो भक्ता विलक्षण प्रत्यनिक भयावहम। महाराज अम्बरीश को भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र दे दिया था, प्रत्यनिक भयावहम। सुदर्शन के दो विशेषण हैं, यह शत्रुओं को भयभीत करता है, उनका नाश करता है, और भक्ता भी लक्षण है, और भगवान कृष्ण के भक्तों की रक्षा करता है। भगवान के भक्तों की रक्षा करता है सुदर्शन, और भक्त द्रोहियों को काट देता है, मारता है। सुदर्शन चक्र का ऐसा होगा। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र दे दिया था, तस्मय हरि अदात चक्र, अपना चक्र दिया था। चक्र ऐसा विशेष चीज है कि वो एक से करोड़ों बन सकता है। भगवान के हाथ में या वैकुंठ में वो तो रहता ही है, वो महाराज अम्बरीश के लिए भी एक रूप से वो रहता था, उसका अपना केबिन था महाराज युधिष अम्बरीश जी के राज्य में, वहीं वो रहता था। भगवान का जो हाँ विग्रह था, वहीं पर भगवान के पास ही वो चक्र टीका रहता, कभी कोई जरूरत नहीं पड़ी चक्र की कि शत्रु को मारा जाए, लेकिन एक ब्राह्मण को मारने के लिए जरूरत पड़ गई तो ये चक्र चला था। वो कथा कल आएगी किस तरह से वो चक्र दुर्वासा मुनि का पीछा किया, उनको जलाया एक साल तक। तो भगवान अपने चक्र को दे दिए थे, क्यों? एकांत भक्ति भावे न प्रीत, महाराज अम्बरीश की अनन्य भक्ति भावना से भगवान पूरा प्रसन्न थे। तो एक प्रकार से उनके राज्य की रक्षा और प्रजा का पालन सुदर्शन चक्र ही कर रहा था। महाराज अम्बरीश तो केवल भक्ति में लगे हुए थे, तो केवल श्रवण और कीर्तन में लगे थे और सब प्रकार की भक्ति में लगे थे। महाराज अम्बरीश की ये विशेषता है, उस सब अंगों से सब प्रकार की भगवान की भक्ति की करते थे। जैसे आपने सुना, सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णन। अन्य भी किसी व्यक्ति को चाहिए कि जितना संभव हो उतनी भक्ति करे, जप करे, भागवत पढ़े, भगवान की आरती करे, और जो भी अवसर हो भगवान के किसी फेस्टिवल में भाग लेना है, जैसे रथ यात्रा है, भागवत सप्ताह है, या और कोई पर्व का दिन है तो भाग ले। अनेक प्रकार के भक्ति है, कभी मंदिर की सेवा करे, मंदिर मार्जन करे, और तरह से सेवा भी है कि मान लीजिए कोई शरीर से जा रहा है मंदिर में, कोई नहीं जा रहा है, जाए या न जाए फिर भी उसके पास धन है तो भगवान को धन अर्पित करके सेवा करे, उनके प्रचार में सेवा करे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में सेवा करे, ये भक्ति है। कई तरह से भगवान की भक्ति की जाती है, पर सर्वश्रेष्ठ है भगवान का नाम जप, नाम कीर्तन और श्रीमद् भागवतम का श्रवण। हरे कृष्ण, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत प्रेम से महाराज अम्बरीश के चरित सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।